بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاك الله. वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू इस आज के इवेंट में जो कि सीस के मजहर है कि रिल्स जब से ये इदारा स्टार्ट हुआ है इस विजन के साथ कि एजुकेट सोसाइटी को एजुकेट करना है हर उस एरिया में जहां बच्चे की एजुकेशन मैटर करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी बच्चे की एजुकेशन सिर्फ एक इदारे के अंदर रहकर मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके वालिदैन बाकायदा एक्टिव रोल प्ले नहीं करते. वालिदैन घर में जो इदारा फॉर्म करते हैं फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन तो वहीं से बच्चा सीख कर किसी भी दुनिया के दूसरे इदारे में जाता है. अब जब पहला इदारा अपना रोल प्ले सही कर रहा हो तो उम्मीद की जा सकती है कि दूसरा इदारा जहां पे भी बच्चा जाएगा या उसके बाद आगे स्टेप रखेगा वो उसके लिए बेहतर परफॉर्म कर पाएगा. अपने आगाज से ही रिल्स ने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी बच्चों के लिए टीचर्स के लिए वालिदैन के लिए. उसी सिलसिले में हम माजरत खां हैं कि कुछ सालों तक हम इस सिलसिले को बंद करना पड़ा हमें मजबूरन लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते रहे ऐसे प्रोग्राम्स को तसलसल के साथ चलाने के लिए. तो आज हमारे दरमियान हमारे प्रेजेंटर हम बड़े खुशनसीब हैं कि शाहिद वारसी साहब मौजूद हैं जो एक ऐसे इदारे की वसादत से हमारे पास हैं जिसका विजन भी पूरे पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर और उसके साथ फिर दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है. आफाक के नाम से आप लोग वाकिफ ही होंगे और हम अपने इदारे के साथ जुड़े हुए उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिनकी काविशों से आज का ये इवेंट
मुनक़द होने जा रहा है, जिसमें इमरान काबूस साहब जो गुजरांवाला आफाक के मैनेजर हैं और इसी तरह इनके साथ इनकी टीम जिन्होंने एक्टिव रोल अदा किया, उम्मीद है आप लोग आज के इस सेशन में कुछ ऐसी चीजें जरूर लेंगे और अपनी राय भी उसमें देंगे जो आपके बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए किरदार अदा कर सकेगी। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, प्लीज शाहिद वारसी साहब आज के हमारे प्रेजेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये पेरेंट्स वर्कशॉप जिसका टॉपिक इफेक्टिव पेरेंटिंग है, ये इनविटेशन जब आपको मिला होगा स्कूल का तो उसमें ये मेंशन किया गया होगा कि आज इफेक्टिव पेरेंटिंग पे आपके साथ एक 2 आवर्स का सेशन है और मुझे इस बात का अंदाजा है कि 2 घंटे आपके लिए सुनना बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ सुनना। तो इसलिए ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें दौराने प्रोग्राम डिस्कशन के अंदाज में आप सवाल जवाब के जरिए जो है ये सेशन आगे लेके चलेंगे। तो जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे समझने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से आप खुशनसीब हैं कि इस स्कूल ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन या सेमिनार कह लीजिए आप उसको, उसका इनेकाद किया गया है। आमतौर पे पेरेंट्स के लिए इस तरह के प्रोग्रामात नहीं होते और पेरेंट्स के लिए इस तरह के प्रोग्रामात करने के लिए रिसोर्स पर्सन जो फर्द ये प्रोग्राम करे वो भी अवेलेबल नहीं होते। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए तो लोग होते हैं कि टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उनसे डिस्कशन की जाए, लेकिन पेरेंट्स के मौजूदात पे सेमिनार करने के लिए लोग मौजूद नहीं होते। और ख़ास तौर पे मुझे मेरा ख्याल है कि शायद पिछले 5-6 सालों में 2-3 ही इतफाक ऐसे हुए होंगे कि पेरेंट्स के साथ सेशन करने का मौका मिला होगा, वरना ज़्यादा फोकस मेरा प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पे रहता है। सिर्फ पिछले 1 साल में लास्ट ईयर पाकिस्तान के 24 सिटीज में 13,000 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट की है, यानी 13,000 स्कूल समझ लें आप। और इस प्रोफेशन में मेरा ख्याल है कि जितना मुझे ट्रेनिंग करवाने का इत्तेफाक हुआ होगा शायद दुनिया में किसी को ना हुआ हो। दुनिया के 17 ममालिक में 50,000 से ज्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल्स के ट्रेनिंग सेशंस में कंडक्ट कर चुका हूं, लेकिन आज मेरे मुखातिब जो है वो टीचर नहीं है न प्रिंसिपल है बल्कि वो पेरेंट्स हैं। सिर्फ अगर मैं एक एक्टिविटी आपको दिखाऊं जो 2012 की है, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से इंडोनेशिया जो इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है उसके दारुल खिलाफा जकार्ता में 2 दिन का एक सेशन मैंने किया था सुबह से शाम तक प्रिंसिपल्स के लिए। तो इंडोनेशिया जैसे मुल्क से 19 प्रोविंस से यानी सूबों से 127 स्कूल प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग के लिए जकार्ता आए थे। टॉपिक हमारा था क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। ये बता मैं इसलिए रहा हूं कि पेरेंट्स के लिए सेमिनार्स करना एक तो स्कूलों की प्रायोरिटी नहीं होती, दूसरा इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए
ट्रेनर्स को बुलाना, ट्रेनर का मौजूद होना, ये भी मुश्किल काम है। तो इसलिए जो 2 घंटे का टाइम हमारे साथ है, आप इस टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल उसी वक्त कर सकेंगे जब दौरान प्रोग्राम आप सवालात करेंगे। सवालात करने के नतीजे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं पहले डिस्कस कर लूँ कि ये वर्कशॉप क्यों अहम है, आपकी औलाद आपकी सबसे बड़ी दौलत है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये स्लाइड कुछ हिल गई है आगे पीछे। यहां लिखा हुआ है, और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास इसका बड़ा सवाब है। कुछ चीजें औलाद की तरबियत के हवाले से मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को अदब सिखाओ और उनके अखलाक और आदाब संवारो। अब यहां पेरेंट्स बैठे हैं, कुछ चीजें जो रेड हैं, कुछ येलो हैं, इसमें कुछ जुमले लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने बच्चों में ये देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं? सजगोई, इखलास, ईमानदारी, एतमाद, रहमदिली, एहतराम, खुद नजमी, म्याना रवी। इस तरफ लिखा हुआ है गुरूर, तकबर, गीबत, झूठ, चोरी, शर्त लगाना, बद अखलाकी। ये बताएं, जो लोग रेड वाली चीजें बच्चों में देखना चाहते हैं वो तो हाथ उठाएं। हॉर्निंग भाई जी, अच्छा, जो ये चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, ये खुद ब खुद पैदा हो जाएगी या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी ना, खुद ब खुद तो नहीं होगा ये। किसको एफर्ट करनी होगी, टीचर को या पेरेंट्स को? ज्यादा किसको करनी होगी, ज्यादा किसको, पेरेंट्स को या टीचर को? चलो, ये तो अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया, वरना मुझे आपको दिखाना पड़ता कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अब अगर आप ये देखें, बच्चा अपनी जिंदगी का कितना वक्त स्कूल में गुजारता है, कितना वक्त घर पे गुजारता है, ये इसके कुछ आदाद शुमार हैं। अब अगर आप ये देखें, स्कूल एक साल में 180 डेज के लिए खुलता है, 180 दिन के लिए। इसमें आप समर वेकेशन निकाल दें, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां निकाल दें, संडे की छुट्टी निकाल दें, जब सारी छुट्टियां निकाल दें तो 365 डेज में से स्कूल ओपन होता है 180 डेज के लिए। और 180 का क्या मतलब होता है, कितने महीने? 180 में कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि स्कूल 6 महीने बंद रहता है। आप समझ रहे थे कि 2 महीने बंद रहता है, 3 महीने बंद रहता है, 2 महीने नहीं रहता, 6 महीने बंद रहता है। इसलिए कि जब आप सारी छुट्टियां गिनेंगे तो 6 मंथ स्कूल खुलता है, 6 मंथ बंद रहता है, आधा साल तो वैसे ही चला गया। तो जब बंद रहने का क्या मतलब है, बच्चे पेरेंट्स के पास है, स्कूल के पास है, पेरेंट्स के पास है ना। चलो दूसरा देखें, 180 डेज का चैलेंज, जो कुछ सिखाना है उसमें प्रिंसिपल, टीचर और साथ में पेरेंट्स, तीनों का रोल है। लेकिन इस रोल में जो सबसे ज्यादा रोल है वो टीचर का तो चले है ही है, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का इसलिए है कि मैं अगर घंटों में दिखाऊं आपको तो एक साल में तकरीबन समझ लीजिए आप 6000 घंटे होते हैं। स्कूल में गुजरने वाला वक्त
1000 घंटे है ये हिस्सा, और घर में गुजरने वाला वक्त ये हिस्सा है। अब अगर मैं इस हिस्से की बहुत अच्छी प्लानिंग कर भी लूं और इस हिस्से को प्लान ना करूं तो बच्चों में जो क्वालिटीज में देखना चाहता हूं वो पैदा हो सकती है, नहीं हो सकती ना? तो ज्यादा जिम्मेदार कौन हुआ जी? नहीं चल। अब इससे आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी अदा किए बगैर ये चाहें कि बच्चा सिर्फ स्कूल जाए और ठीक हो जाए और जैसी शख्सियत आप उसकी देखना चाहते हैं वैसी बन जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक साल में अपनी जिंदगी के 6000 घंटों में से सिर्फ 1000 घंटे वो स्कूल में गुजारता है, 5000 आवर्स स्कूल में नहीं गुजारता। एक बच्चा जो प्री नर्सरी क्लास में स्कूल में एडमिशन लेता है, मैट्रिक तक या ओ लेवल्स तक, वो कभी स्कूल में कोई छुट्टी ना करे, प्रेजेंट रहे, तो अपनी जिंदगी के जो टोटल उसके आवर्स हैं, घंटे हैं, उसका सिर्फ 9% ओनली 9% टाइम स्कूल में गुजारता है, 91% टाइम स्कूल में नहीं गुजारता। तो अगर आप उस 9-10% टाइम को बहुत अच्छा प्लान कर भी लें और 90% प्लान जो वक्त है उसकी कोई मंसूबाबंदी ना करें तो मतलूबा नताइज नहीं आएंगे। तो शुरू के 5 मिनट में ये तो क्लियर हो गया कि वालदैन को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, उन्हें भी बताना पड़ता है कि बच्चे की शख्सियत में अगर कोई मुस्बत या मनफी चीज आप देख रहे हैं तो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है वो आज इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे। आप बच्चों में दो चीजें चाहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। ये एक बैलेंस अप्रोच है बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में, उर्दू में इसको कहते हैं सलाहियत और सालियत। अब मैं इस बात को इस अंदाज में बताता हूं आपको कि अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेता हो, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे नंबर लेता हो और A+ लाता हो, बहुत अच्छे नंबर लेता हूं, लेकिन ये बच्चा झूठ भी बोलता हूं, ये बच्चा जो है वो गलत बयानी भी करता हो, ऑनेस्ट भी ना हो, ईमानदार भी ना हो, तो आप चाहेंगे ऐसे बच्चे को? नहीं चाहेंगे ना। तो पहले वाली चीज को कहते हैं दूसरी वाली चीज, इनमें से एक चीज है जिसको आप कहते हैं कैरेक्टर और दूसरे को कहते हैं आप कॉम्पिटेंस। वो मैथमेटिक्स इतनी अच्छी जानता है, ये कॉम्पिटेंस है, सलाहियत है। वो साइंस में कितना अच्छा है, वो सोशल स्टडीज में कितना अच्छा है, ये उसकी शख्सियत का एक हिस्सा है जिसको आप कॉम्पिटेंस कहते हैं। एक और भी है जिसको आप कैरेक्टर कहते हैं। अगर मैं बच्चे को मिसाल छोड़ दें, बड़ों की मिसाल देता हूं, मैं एक कारोबारी आदमी हूं, बिजनेस करता हूं, मेरा कपड़े का कारोबार है, अगर और आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अगर आपको यह लग रहा है कि मैं कपड़े के कारोबार का बहुत माहिर हूं, मुझे पता है कि ये कारोबार कैसे करते हैं, महारत है, लेकिन मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं, तो क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? चलें, मैं बहुत ईमानदार हूं लेकिन मुझे कपड़े का काम करना नहीं आता ठीक से, अब करेंगे? अब भी नहीं करेंगे। आप दोनों चीजें चाहते हैं, यानी आप कैरेक्टर भी चाहते हैं और कॉम्पिटेंस भी चाहते हैं, सलाहियत भी चाहते हैं और सालियत भी चाहते हैं, तब आप कहेंगे कि ये एक बैलेंस पर्सनालिटी है और आप स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उसका किरदार भी बने और उसकी सलाहियत में भी इजाफा हो। एक बहुत मशहूर किताब है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? एतमाद।
आज के दौर में जो चीज सबसे कम मिलती है इंसानों में वो ये है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, एतमाद कर सकें। कहते हैं कि ट्रस्ट दो चीजों के बगैर मुमकिन नहीं है, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। अगर सिर्फ आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आप कहते हैं कि सलाहियत है और सालहियत नहीं है, कैरेक्टर है, ये मल्टीमीडिया भी ऑफ हो गया। अच्छा, कैरेक्टर है और कॉम्पिटेंस नहीं है, या कॉम्पिटेंस है कैरेक्टर नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो फिर आप ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कारोबार में भी चाहिए। हर कामयाबी के पीछे कहते हैं कि ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि ये बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकले यूनिवर्सिटी में जाए तो यूनिवर्सिटी इस पर ट्रस्ट कर सके, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाए जिस इंडस्ट्री में जॉब करने जाए वो इस पर ट्रस्ट कर सके, जब ये कोई कारोबार करने के लिए किसी के पास जाए तो लोग इस पर ट्रस्ट कर सकें। तो ये ट्रस्ट, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, इन दोनों के बगैर मुमकिन नहीं है। अब बच्चे का कैरेक्टर कैसे बनेगा और कॉम्पिटेंस कैसे? कॉम्पिटेंसी का ताल्लुक ज्यादातर बच्चों के स्कूल से है। वो मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है ये स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, वो साइंस में कितना अच्छा है ये स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, वो अंग्रेजी कितनी अच्छी जानता है ये स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। लेकिन कैरेक्टर का मामला ऐसे नहीं है। कैरेक्टर में घर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और स्कूल का भी है। एक चीज जो स्कूल में सुनता है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घर का माहौल ऐसा है जहां झूठ बोलना बहुत आम है। घर वालों को देखता है ऑनेस्टी जो है वो नजर नहीं आती, तो जाहिर है कि पढ़ेगा कुछ और देखेगा कुछ और, तो इसके नतीजे में उसका किरदार नहीं बनेगा। तो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, इन दोनों का होना जरूरी है। अब जिस तरह मैंने आपको यह दिखाया था कैरेक्टर ट्रेट्स, इसी तरह आप देखेंगे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है। चले मैं इसको बताने से पहले अगर आपसे यह कहूं, नोटबुक तो आपके पास होगी नहीं, लेकिन वैसी सोच लें, अगर मैं वालदैन से कहूं कि कोई तीन चीजें ऐसी बताएं जो आप समझते हैं कि एक बहुत अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, तीन क्वालिटीज आप देखना चाहते हैं किसी स्कूल में, या अपने बच्चे के अंदर आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ये तीन खसूसियात मैं उसमें देखना चाहता हूं, ये तीन क्वालिटीज मैं उसमें देखना चाहता हूं, तो वो टॉप थ्री प्रायोरिटी क्या है आपकी जो आप स्कूल से चाहते हैं, वो जरा मुझे शेयर करें। लेकिन ये चलेगा नहीं तो मूवमेंट कैसे होगी? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि दो घंटे लेक्चर नहीं सुनेंगे, आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो आगाज यहीं से शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि रिल्स स्कूल जो है, इनसे आपकी टॉप थ्री प्रायोरिटी क्या है, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है जो आप कहते हैं कि स्कूल अगर ये कर दे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये चाहता हूं कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन शुड बी। आपके नजदीक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई? कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये पता है ना। जी, सेल्फ एस्टीम। ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स आपने बिठा दिए हैं यहाँ पे। जी, एक मिनट। ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड स्टाफ। बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? सर, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले डिसिप्लिन आ जाता है, उसके बाद बेटर एनवायरनमेंट स्कूल की,
और फिर बाद में बच्चे के कॉम्पिटेंसी एजुकेशन के लिहाज से। जो इन्होंने बता दिया, इसके अलावा कोई और बात बतानी हो रिपीट नहीं करना है, जो सुन लिया इसको रिपीट नहीं करना, कोई और एक्सपेक्टेशन है तो बताएं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों में, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माय नेम इज नासर अब्बास, आई एम फ्रॉम माय सन इज नॉट रियली देयर बट वेल एंड वेल आई वुड लाइक टू हियर एंड सॉरी And I would have to say the three things which you are asking from my side. As a parent, which I see there, it has to be the person, my son, it has to be a proper disciplined. He should be a regular in his school. He should be a regular in a good attitude. And the third thing which I feel from as a parent, he has to be the focusing on the education, what he learns from the school. The school is definitely really that other things Mr. Riyasat is being, he's handling everything. I would to say that, secondly, I have to say that thank you very much that you organized this sort of the parents workshop. There are more things, on, inshallah, so we'll continue then. Thank you very much. And more we learn from you, inshallah. Thank you very much. Thank you. अच्छा जी चले, मैं इसको, आपने कहा self-esteem चाहिए, discipline चाहिए, confidence चाहिए, punctuality चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, उसमें इस टाइप के कोई सब्जेक्ट नहीं होते। जी सब सब ये कहेंगे कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये कोई अच्छा इंसान बन जाए। ठीक ठीक है। अच्छा, जब आपने कहा कि बच्चा क्रिएटिव हो जाए, उसमें कॉन्फिडेंस हो, क्रिएटिव का मतलब है तख्लीकी सलाहियत हो, एतमाद हो, डिसिप्लिन हो, तो मैंने आपसे कहा कि ये कोई पीरियड नहीं होता स्कूल में कि ये डिसिप्लिन का पीरियड है, नहीं होता ये जी क्रिएटिविटी का पीरियड है, ऐसा तो नहीं होता। फिर ये चीजें पैदा कैसे होंगी? और अगर आपका बच्चे में तख्लीकी सलाहियत नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है या लीडरशिप नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे पैदा होती है? जी आप कुछ कह रहे हैं। जी मेरा मौकफ ये है कि बच्चे नू सब तो पहले ये चीज सिखानी चाहिए कि आंदा जिंदगी भी वेच तलीम च रट्टा ना लगे। ऐसी तुसी तलीम दियो कि जेडे बच्चे नू आंदा जिंदगी दे वेच रट्टा ला के पास होने की जरूरत ना। मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, रट्टा, रट्टा अगर लगाएगा तो क्रिएटिव नहीं होगा। तखलीकी सलाहियत अगर पैदा करनी है तो रट्टा खत्म करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे में जो कायदाना सलाहियत पैदा नहीं होती, जो तखलीकी सलाहियत पैदा नहीं होती, उसकी वजह क्या है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में चीजें तोड़ते हैं, खराब करते हैं, करते हैं ना, तो आप इसको क्या कहते हैं? मिसबिहेव, बदतमीजी कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। वो आपके घर में चीजें उठा के फेंक दे, तोड़ दे, अच्छी बात है, खराब बात है? जिनका ख्याल है अच्छी बात है वो हाथ उठाएं। दो तीन लोगों ने तो उठाया, क्यों अच्छी बात है? वो इससे कुछ सीखना चाहता है। ये जो छोटे बच्चे चीजों को तोड़ते हैं, खोलते हैं, फेंकते हैं, अगर वो ये ना करें तो ये कभी तख्लीकी सलाहियत नहीं रख सकते। वो क्यों तोड़ते हैं? इसको कहते हैं तजस्सुस, इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर तजस्सुस बहुत ज्यादा रखा है। वो चीजें इसलिए नहीं तोड़ता कि घर वालों का नुकसान करना है, चीजें इसलिए तोड़ता है या खोलता है कि वो देखना चाहता है कि इसमें क्या है। अब इसको आप कहते हैं क्यूरियोसिटी या तजस्सुस। अगर आपने इस पर डांटा तो आपने किस चीज से रोका? तजस्सुस से रोका। तो कहते हैं जिस बच्चे में तजस्सुस नहीं है ना, उसमें तखलीकी सलाहियत कभी नहीं हो सकती, क्रिएटिविटी। तो क्यूरियोसिटी से क्रिएटिविटी होती है, और जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है ना, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। तो लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं जिसमें जितनी क्रिएटिविटी या तखलीकी सलाहियत हो, उसमें कायदाना सलाहियत उतनी ज्यादा होती है, और तखलीकी सलाहियत उसमें ज्यादा होती है जिसमें तजस्सुस बहुत ज्यादा हो।
तो अगर तजस्सुस करने पर आपने मारना पीटना शुरू कर दिया तो आपने किया क्या? अब जाहिर है कि इन चीजों को कौन बताए? कोई पेरेंट्स की वर्कशॉप तो होती नहीं है, कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो एक अमल हम इसलिए नहीं करते कि बच्चे की तखलीकी सलाहियत खत्म कर दें, लेकिन करते हम यही हैं। इसलिए नहीं करते लेकिन करते यही हैं। आज से 15 साल पहले की बात है, कराची का एक इलाका नॉर्थ नाजाबाद जो खासे पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है, वहां का एक बहुत अच्छा स्कूल, वहां की एक नर्सरी क्लास में मैं गया तो एक बच्चा, उसके चेहरे पे जलने का निशान था, कोई चीज से जलाया गया था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है मामा ने इस्त्री लगा दिया। अब आप सुन के हैरान होंगे, कभी कोई मां अपने बेटे के चेहरे पे कोई गर्म इस्त्री लगा सकती है? लेकिन मामा ने ये गुस्से में कर दिया। मैंने कहा क्यों किया? मैं तंग कर रहा था। अब मामा बाद में चाहे रो रही हो या कुछ भी कर रही हो, जो करना था वो तो उसने कर दिया। अब उस मां की ये समझ में नहीं आया कि अगर ये बच्चा तंग कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको कैसे डाइवर्ट करना चाहिए, दूसरे काम में मशगूल करना चाहिए, नहीं पता उसको। लिहाजा गुस्से में कभी मां थप्पड़ मार देती है, कभी जो है वो क्लास में टीचर से कोई सवाल पूछे तजस्सुस तो टीचर भी मना कर देती है, टीचर भी कर दिया। तो उस बच्चे में जो तजस्सुस है, ना उसका माहौल घर में है कि उसको पूरा किया जाए, ना उसका माहौल स्कूल में है पूरा किया जाए, तो इसने क्या तखलीकी सलाहियत पैदा करनी है? तो दोनों जगह से खराब हो रहा है। तो टीचर को भी जानना जरूरी है और पेरेंट। अच्छा, अब इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज आप तोड़ने के लिए छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप घर में वो सामान जिसके तोड़ने से नुकसान नहीं हो, प्लास्टिक की चीजें दिगर, वो उसके सामने रखें। एक है आपकी घड़ी, वो जो बहुत महंगी है, एक है जो आम घड़ी है, महंगी नहीं है, सस्ती है, उसको रखें कि वो उसको खोलें, उसको देखें और अपनी जो तजस्सुस की सलाहियत है उसको पूरा करें। तो आप उसको कीमती चीजों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी चीजें जरूर रख रहे हैं जिससे उसकी ये चीज पूरी हो सके। अब ये समझने की जरूरत है, इसके नतीजे में आप उसकी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ा देंगे। ये टीचर के लिए भी जरूरी है और ये पेरेंट्स के लिए जरूरी है। मेरा बेटा जब 6 महीने का था तो मेरी वाइफ चूंकि मेरे साथ इस प्रोफेशन में आगे थी एजुकेशनिस्ट के तौर पे, पहले नहीं था, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने कहा एजुकेशन में आए साइकोलॉजी पढ़े, तो जब वो 6 महीने का था तो हम उस पर कई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। एक्सपेरिमेंट करने से मुराद ये है कि हम हर तरह के जो टेस्ट होते थे वो देख रहे होते थे कि इस उम्र का बच्चा सोचता कैसे है, थिंकिंग कैसे करता है। 6 महीने का बच्चा अंदाजा लगा लें। कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा कि इज़राइल के लोग, यहूदी, इतने जहीन क्यों होते हैं। जितनी ज्यादा अवेयरनेस इज़राइली मां में होती है किसी में नहीं होती दुनिया में। इस पर तो पूरी किताब लिखी गई है, एक अंग्रेज ने किताब लिखी है कि यहूदी दुनिया में इतने जहीन क्यों होते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चे की पैदाइश से पहले मां बाप आपस में झगड़े खत्म कर देते हैं। क्यों झगड़े खत्म करते हैं? वो कहते हैं जो बच्चा पैदा होगा उस पे इसके मनफी असरात पड़ेंगे, अभी दुनिया में आया नहीं है। बाप सिगरेट पीना छोड़ देता है, मां अपने खाने में तय करती है कि जैतून लेना है, फलाना लेना है, फलाना लेना है, लिखा हुआ है गोश्त मछली एक साथ नहीं खाना, ये खाना है तो वो नहीं खाना, किसका क्या इंपैक्ट होगा उस बच्चे के जहन पे। अब जरा आप अवेयरनेस का अंदाजा लगाएं कि बच्चा जो है उसका जहन, वो जहीन होगा कि नहीं होगा, उसका किस खाने से ताल्लुक है, रहन सहन के किस अंदाज से ताल्लुक है, घर के जाति लड़ाई झगड़े से उसके क्या नुकसान आते हैं, इतने ज्यादा ट्रेंड हैं ये। लिहाजा दुनिया में है तो 1.5-2 करोड़, लेकिन सारी दुनिया इनके काबू में, ये इतने ज्यादा जहीन लोग होते हैं। वजह सिर्फ ये है कि इनमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कि बच्चों की जहानत पे, उसकी सलाहियत पे किन चीजों के क्या असरात होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लीडरशिप के बारे में कहा,
मसल मैं आपको अभी क्रिएटिविटी किसी ने कहा, मैं आगे बताता हूं। अब आप ये देखें क्रिएटिविटी से मुतालिक कुछ चीजें, ये रहा क्रिएटिविटी। अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव स्किल या तखलीकी महारत। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स को बुला के टीचरों की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये जो तखलीकी महारत की बात हो रही है, ये टीचरों के लिए बनाया गया है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, बच्चे में तखलीकी सलाहियत उस वक्त पैदा होगी जब अंग्रेजी में कहते हैं कि बच्चे को कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट बनाने को कहते हैं ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने को कहा जाए। बच्चा क्रिएटिव उस वक्त होगा जब उसको कहा जाए कि चीजों को डिजाइन करो। बच्चा क्रिएटिव उस वक्त होगा जब उसको कहा जाएगा इस चीज को चेंज करो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंप्लीफाई करो। ये टीचर्स के लिए बनाया गया है। तो हम कहते हैं जब बच्चों को रट्टा लगवाओगे और चीजों को डिजाइन करने नहीं दोगे, चीजों को चेंज करने नहीं दोगे, उसको सिंप्लीफाई करने नहीं दोगे, तो ये बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं होगा। ये हम टीचर से बात कर रहे होते हैं, नहीं होगा। और ये बात जो पेरेंट्स को समझाना शायद ज्यादा आसान हो, वो ये वाली बात है। यहां बैठे कितने लोग हैं जो समझते हैं कि वो बहुत सोशल हैं, वो वालदेन जिनकी दोस्तियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, मां या बाप कोई भी, वो जरा हाथ तो उठाएं, जिनकी दोस्तियां बहुत होती हैं। नहीं होती आप लोगों की? लड़ाई झगड़े होते हैं, सोशल लोग होते हैं ना, जहां जाते हैं दोस्तियां कर लेते हैं, हैं ऐसे लोग? हाथ उठाएं, वो उठाएंगे नहीं। चले मैं आप बताऊंगा तो फिर उठाएंगे। यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है खुसूसियात। अब आप देखेंगे जो लोग अपने आप को सोशल कहते हैं उनमें ये खुसूसियात हैं कि नहीं। मसलन मैं आपसे कहूं कि आप कभी किसी को माफ नहीं करते, एक्सक्यूज, ओ माफ नहीं कर, फॉरगिव नहीं, माफ नहीं करते, आप किसी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करते। आपसे जब कोई बात कही जाए तो आप उसको एग्री नहीं करते, मानते नहीं है किसी चीज को। मुस्कुराहट तो कभी किसी ने आप लोगों के चेहरे पर देखी ही नहीं है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज का आदमी जो चीजों को कबूल ना करता हो, जो लोगों से बातचीत ना करता हो, उनको माफ ना करता हो और लोगों को बुलाता ना हो अपने घर पे, इनवाइट ना करता हो, उनकी हेल्प ना करता हो, स्माइल ना करता हो, क्या ऐसा फर्द सोशल हो सकता है? इससे कोई दोस्ती करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या ये पैदाइशी सारी खसूसियात पैदा होती हैं? नहीं होती ना। तो ये चीजें कहां से आएंगी उसमें? अब आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत सोशल हो, वो अकेले अकेले ना बैठा करे, लोगों में मिला जुला करे, तो ये सारी खसूसियात कैसे पैदा होती हैं? ये वालदेन को जानना भी जरूरी है, क्योंकि 90% वक्त वो आपके पास गुजारता है। और ये टीचर को भी जानना जरूरी है कि ये क्वालिटीज कैसे पैदा होती हैं। तो स्कूल सिर्फ मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज पढ़ने का नाम नहीं है। स्कूल बच्चे को क्रिएटिव बनाए, बच्चे को सोशल बनाए, उसकी लॉजिकल स्किल को डेवलप करे। तो वालदेन को और टीचर दोनों को ये जानना होगा कि ये बच्चा अच्छा। अब जानते कैसे हैं जरा ये भी देखें। नर्सरी क्लास का बच्चा स्कूल आता है, आपने देखा लंच बॉक्स साथ लेकर आता है। किसी दिन आप लंच उसको ना दें और वो बच्चा अपनी क्लास में बैठा हो और उसके बराबर में जो बच्चा बैठा हो वो लंच टाइम पे अपना लंच खा रहा हो, इसको ना दे रहा हो, क्योंकि ये भूल कर आ गया। जो बच्चा क्लासरूम में उस बच्चे को जो लंच लेके नहीं आया अपना लंच शेयर नहीं करेगा, वो सारी जिंदगी शेयर नहीं करेगा, वो हमेशा खुदगर्ज रहेगा। तो खुदगर्जी पैदा कब हुई है? नर्सरी क्लास में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई है या नहीं आई? अब टीचर और पेरेंट्स के लिए ये बड़ी अहम बात है कि ये अपनी चीजें शेयर करने में खुशी महसूस करता है या अफसोस करता है। अगर आपने घर में तवज्जो दी है, टीचर ने स्कूल में तवज्जो दी है और इस बच्चे ने स्कूल में और घर में अर्ली लाइफ से जिस माहौल में रहा है इसको शेयर करना सिखाया गया है, तो ये सारी जिंदगी
خود غرض نہیں ہوگا, لوگوں کو شیئر کرے گا. اور اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ ایک ایسی شخصیت بنے گا جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ایسا بنے. تو یہ خود بخود نہیں بنے گا, اس کو ماحول نے بنایا ہے, چاہے وہ اسکول کا ماحول ہے چاہے وہ گھر کا ماحول ہے, کیونکہ اس کی اس چیز کو سب نے نظر انداز کیا, نہ ماں نے اس پہ دیکھا, نہ باپ نے دیکھا, نہ اسکول کے ٹیچر نے دیکھا, نہ اسکول کے پرنسپل نے دیکھا. اسی طرح بہت ساری ایسی خامیاں جو آپ بچوں میں دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے, اگر اس عمر میں اس پہ توجہ دی جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, نہ دی جائے تو ساری زندگی ختم نہیں ہوتی. جی, اگر ہمارا بچہ بہت زیادہ پوزیسیو ہے, مینس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیئرنگ نہیں ہے اس میں, تو وہ اس معاملے میں پوزیسیو ہے, چاہے اس کا ریلیشن ہے, چاہے اس کی کوئی ایک چھوٹا سا ٹرائے ہے, چاہے کار ہے یا چاہے جو کچھ بھی ہے, ہم اس کو شیئرنگ کی عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں, بٹ ہاؤ کین وی ڈیولپ دیٹ ہیبٹ ان ہم؟ یہ ہیبٹ کیسے پیدا کریں گے؟ اس کے لیے میں بھی ایک پیرنٹنگ اسٹائل پہ آپ سے ایکسرسائز کرواؤں گا باقاعدہ. لیکن ابھی ہم نے کہا کہ وہ شیئر نہیں کر رہا, آپ نے اس کا نوٹس لیا کہ نہیں لیا کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ لے لیا نا, پھر میں آگے بتاتا ہوں کیسے کرے گا. لیکن ابھی عملا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے, اس لیے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے صوفے کے اوپر سے جمپ لگا رہے ہوتے ہیں, لگاتے ہیں نا, اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ اب آپ سوچیں گے ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں یہاں پر آ کے, اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ سوچ رہے ہو کہ میں کہوں گا یہ خراب بات ہے, کیوں کیوں اچھل کے اترا ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے بچے کی ذہنی نشو نما, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. ایک ہوتا ہے بچے کی جذباتی نشو نما, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ. ایک ہوتی ہے بچے کی جسمانی نشو نما, جس کو کہتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ. جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے مسلس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, مسل سمجھتے ہیں نا؟ اب جب مسلس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ چلنے کودنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ مستقل ایک ہی جگہ بٹھا کے رکھ رہے ہیں تو آپ اس کی جسمانی نشو نما سے روک رہے ہیں اس کو. اب صوفے سے جمپ لگا کے چوٹ نہ لگے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اچھل کود کیوں رہا ہے؟ اگر اچھلے گا کودے گا نہیں تو اس کی جسمانی نشو نما نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ نے غور نہیں کیا ہوگا, اچھے اسکولوں میں نرسری کلاس میں بچے ہر وقت ڈیسک پہ نہیں بیٹھتے, چیئر کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسکول کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ آدھا وقت ٹیچر کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں, ٹیچر بھی زمین پہ بیٹھتی ہے. اگر اسکول میں مستقل بچہ بینچ پہ بیٹھا رہے تو اس بچے کی جسمانی نشو نما ٹھیک سے کبھی نہیں ہوگی. تو یہ نقصان دہ ہے اس کے لیے, یہ فائدہ مند نہیں ہے. اسی طرح آپ چاہیں بالکل بڑوں کی طرح وہ ایک کونے پہ گھر پہ بیٹھا رہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی جسمانی نشو نما نہ ہو, آپ یہ چاہتے ہیں. تو اس لیے والدین کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس وقت جسمانی نشو نما ہوتی ہے اس وقت وہ کیا حرکتیں کرتا ہے, جس وقت ذہنی نشو نما ہوتی ہے اس وقت وہ کیا حرکتیں کرتا ہے. اس کی ان حرکتوں کو اگر سمجھ لیں گے کہ اس سے تو اس کی شخصیت بن رہی ہے تو پھر آپ کا رویہ اور ہوگا. اگر آپ سمجھیں گے وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو پھر آپ کا رویہ اور ہوگا. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز بدتمیزی میں آتی ہے اور کیا نہیں آتی. جی, السلام علیکم. میں یہ کوسچن کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بچہ ہے, کبھی وہ بہت زیادہ پولائٹ ہے, بہت اچھا, بہت سمجھدار والی باتیں کر رہا ہے, پر کبھی وہ اتنا اگریسو ہو جاتا ہے, وہ کوئی چیز اپنی شیئر نہیں کرنا چاہتا. کبھی وہی چیزیں ہیں جو شیئر کر رہا ہے, کبھی وہی چیزیں ہیں جو نہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے, ایون اپنے چھوٹے برادر کو یا اپنی مدر کے ساتھ. کبھی وہ بہت اگریسو ہو گیا, یہ کیا ڈبل پرسنالٹی ہے, کیا مسئلہ ہے یہ؟ وہ تو ہر جگہ ڈبل پرسنالٹی دیکھ رہا ہوتا ہے, اسی لیے ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے کہ آپ نے, ماں نے بچے کو کبھی بہت معمولی غلطی پہ بہت سزا دے دی اور کبھی بہت بڑی غلطی پہ سزا نہیں دی. موڈ نہیں تھا نا, کبھی موڈ اچھا تھا تو بڑی سے بڑی غلطی آپ نے نظر انداز کر دی,
कभी मूड खराब था तो छोटी सी छोटी गलती पे सजा दी, पैगाम क्या दिया बच्चे को, कौन सी गलती बड़ी थी जिस पे सजा मिली या जिस पे सजा नहीं मिली। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरा सवाल समझ में आया या नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक बच्चे ने गलती की, अब एक बड़ी मामूली नौयत की गलती थी और एक बड़ी सीरियस संगीन नौयत की गलती थी। जिस दिन मेरा मूड अच्छा था मां का या बाप का, तो मैंने बड़ी से बड़ी गलती को नजरअंदाज कर दिया, और जिस दिन मेरा मूड खराब था मैंने छोटी गलती पे भी सजा दी। बच्चे को पैगाम क्या गया, कौन सी गलती बड़ी थी, छोटी वाली बड़ी थी या बड़ी वाली बड़ी गलती थी, जिस पे सजा मिली वो बड़ी थी और जिस पे सजा नहीं मिली वो छोटी गलती थी। इसका मतलब है जो छोटी गलती कर रहा था वो आइंदा कभी नहीं करेगा, जो बड़ी वाली की थी वो बार बार करेगा। कंफ्यूज हुआ ना, असल में हमने इसको कंफ्यूज बनाया है, वो बना नहीं है, उस माहौल ने इसको कंफ्यूज बनाया है। जैसे हमने कहा, बहुत मशहूर सी बात है, झूठ नहीं बोलना, कह दिया। घर आया तो वालिद साहब से कोई साहब मिलने के लिए आए, वालिद साहब मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बेटे से कहा अब्बू घर पे नहीं है। स्कूल ने क्या कहा था, झूठ नहीं बोलना। वालिद साहब ने क्या कहा, जाओ झूठ बोलो, वालिद घर पे नहीं है। उसकी क्या समझ में आएगा, क्या ठीक है, वो जो टीचर ने कहा था, वो जो बाप ने कहा था। तो हमारा जो माहौल है उसने उसकी ये पूरी शख्सियत को खराब किया। बाकी जो बच्चा कभी शेयर करता है, कभी गुस्से में आता है, कभी नहीं आता, इसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का मसला है, इसकी जज्बाती नशोनुमा का मसला है, इमोशनली बैलेंस नहीं है, और उसको ये बैलेंस कैसे किया जाए ये पूरा एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, यानी डिस्कशन बड़ी अच्छी जानिब जा रही है कि लोग जो सवालात कर रहे हैं कि हम बच्चों में ये चीजें नहीं देखना चाहते। अब जो शेयरिंग वाली बात आपने की थी ना, उसकी मैं मिसाल देता हूं, क्यों शेयरिंग। बिल गेट का नाम कितने लोगों ने सुना है, बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी, सुना है नाम, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट, सुना है ना। बिल गेट ने जाके हिंदुस्तान में अपनी बहुत सारी दौलत डोनेट कर दी, किसी प्रोजेक्ट पे डोनेट कर दी, तो लोगों ने इससे पूछा, भाई इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए जाते हैं, तुमने इतनी दौलत दे दी, तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, कैसे दे दी। तो उसका जवाब क्या था, ये जरा गौर से सुनिएगा। बिल गेट ने कहा कि ये इस बिल गेट ने पैसे नहीं दिए, इससे मुराद जो आज नजर आ रहा है आपको, ये उस बिल गेट ने दिए हैं जिसकी मां ने बचपन में उसको ये सिखाया था कि ये जो दो चीजें तुम्हारे पास हैं, इसमें गेट पे जो फर्द दूसरा आया है, एक तुम्हारा एक उसका है, तो मैंने ये देने की जो सलाहियत पैदा की थी ये बचपन में मेरी मां ने पैदा की थी, ये इस बिल गेट में पैदा नहीं हुई, तो अगर उस वक्त ना पैदा होती तो आज मैं कभी ना देता। अब चीजों को शेयर करवाना, लोगों को देना, लोगों की मदद करवाना, ये जब आप अपनी निगरानी में करवा रहे होते हैं तो सारी जिंदगी ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है, वो करता है। देखिए कंजूस हमेशा कंजूस ही होता है ना, और जो फराग दिल होता है हमेशा फराग दिल होता है, कभी कभी हादसाती तौर पे ऐसा नहीं होता होगा कि वो कंजूस ना हो और वो ना, ओवरऑल तो उसकी शख्सियत ऐसी होती है। तो हम बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज वक्त के साथ साथ सिखा सकते हैं। अब जरा मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं मैं करवाने क्या जा रहा हूं। अब बच्चे की जो शख्सियत में खराबी है, टीचर को छोड़ दें, वालदैन की साइड से क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको यह बताऊंगा जो आज की वर्कशॉप का टॉपिक भी है, पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है बहसियत माँ या बहसियत बाप, आप बच्चे को जिस तरह डील करते हैं उसके तीन स्टाइल हैं, तीन अंग्रेजी में तीनों के नाम हैं, उर्दू में मैं समझा दूंगा क्या है। आप जरा उसको खोल दें पीडीएफ को, तीन सफे का पेपर आपको मिलेगा उर्दू में। जी जी अच्छा, इन्होंने कहा कि बच्चा छोटी बड़ी गलती करता है उसमें क्या सजा दें। मैंने जो उसमें बात की थी वो ये की थी कि सजा का ताल्लुक या जजा का ताल्लुक आपके मूड पे नहीं होना चाहिए,
उस गलती की संगीनी पर होना चाहिए कि वो कितना सीरियस है। अगर मैं अपने मूड के हिसाब से चलूंगा तो मैं उस बच्चे को कंफ्यूज रखूंगा कि मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या नहीं चाहता। तो मैंने ये कहा था कि आप अपने मूड की बुनियाद पर फैसला ना करें। यह बात तो तय है कि जिसमें गलती ज्यादा थी उस पर रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए था और जिसपे मामूली थी उसको नजरअंदाज करना चाहिए था, लेकिन हमने अपने मूड की वजह से नहीं किया और उसकी शख्सियत को खराब किया। बाकी ये डिस्कस किया जा सकता है कि सजा के टाइप्स क्या क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पेपर आपको मिला जरा सो गौर से देखें, ये पेपर मिला है आपको, ये पेपर आप सबको मिला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कभी नहीं के लिए एक, नहीं के लिए दो, कभी कभार के लिए तीन, अक्सर के लिए चार, बिलुमूम के लिए पांच और हमेशा के लिए छह के गिर्द दायरा लगाएं। इसका मतलब यह है कि आपने ये जो सवाल नंबर एक है इसमें छह तक लिखा हुआ है, किसी एक पे निशान लगाना है। मतलब समझ लें, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं बच्चों की जरूरियात और एहसासात का ख्याल रखता हूं, अगर कभी नहीं रखते तो वन पे निशान लगा दें, ठीक है, कभी नहीं, नहीं के लिए टू पे लगा दें, कभी कभार के लिए तीन पे लगा दें, और अगर आप कहना चाहते हैं अक्सर आप इसके एहसासात का ख्याल रखते हैं तो चार पे निशान लगाएं, अगर आप कहते हैं कि बिलउमूम इसका ख्याल रखते हैं तो पांच पे लगाएं, आप कहते हैं मैं हमेशा ख्याल रखता हूं तो छह पे लगाएं। ये बात समझ में आ गई कि इसको फिल कैसे करना है। अब यहां पे सवालात लिखे हैं और आपने सोच समझ के जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, जो आप करते हैं वो, जैसे आप हैं वो लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद इससे क्या होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर अभी पेन नहीं है तो बेशक अपने जहन में ही लिख लें कि क्या इधर आप लिखना चाहते थे। पेन दे दिए गए, बस पेन से निशान लगाएं। फिर अब मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूं, मैं अपने मैं बच्चों की जरूरियात और एहसासात का ख्याल रखता हूं। अब सुन लें गौर से, जो वालदैन समझते हैं, वालिद या वालदा, कि वो हमेशा ख्याल रखते हैं तो छह पे निशान लगाएं, हमेशा तो नहीं बिलुमूम रखते हैं तो पांच पे निशान लगाएं, अक्सर रखते हैं तो चार पे लगाएं, कभी कभार तीन पे, नहीं रखते तो फिर दो या एक पे लगाएं। बात समझ में आ गई। अगला सवाल, मैं बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल इनसे पूछने से पहले कर लेता हूं, मैं बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल उनके पूछने से पहले ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये क्या चाहते हैं। आपका ख्याल है कि मैं अक्सर ऐसे ही करता हूं, हमेशा ऐसे करता हूं तो छह पे निशान लगाएं, बिलउमूम करते हैं तो पांच पे लगाएं, कभी कभार करते हैं तो चार पे लगाएं, और अगर बल्कि कभी कभार करते हैं तो तीन पे लगाएं, और नहीं करते तो फिर दो या एक पे लगाएं। अगला सवाल देखें, मैं बच्चों को उनके रवैये के बारे में बताता रहता हूं, मैं बताता हूं कि भाई ये चीज आपकी अच्छी नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में नज़्म व ज़ब्त नहीं है, आप बात करते हैं, ये आप हमेशा करते हैं तो छह पे निशान लगाएं, ये बिलउमूम करते हैं तो पांच पे निशान लगाएं, ये आप अक्सर करते हैं तो चार पे निशान लगाएं, ये कभी कभार करते हैं तो तीन पे लगाएं, नहीं करते तो दो पे लगाएं, ठीक है, मेरे साथ साथ फिल करते जाएं। फिर लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, मैं बच्चों की हौसला अफजाई करता हूं और अपने मसाइल और एहसासात के बारे में बताएं, यानी बच्चों की हौसला अफजाई भी करता हूं और अपने मसाइल और एहसासात के बारे में बताता हूं, बताएं नहीं बताता हूं, इसी तरह एक से छह तक में निशान लगाएं। मैं बच्चों की हौसला अफजाई करता हूं कि वो मुझसे खुलकर बात करें, ख्वाह इन्हें मुझसे इख्तलाफ ही क्यों ना हो। ये वालिद के लिए तो मुश्किल होगा, वालदा से शायद कर लेता होगा बच्चा, लेकिन आप ये देखेंगे, वापस लेकर आए ऊपर, सवाल गौर से सुने, मैं बच्चों की इस मामले में हौसला अफजाई करता हूं कि वो खुल के मुझसे बात करें, वो बात भी करें जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, बहसियत मां भी आप लिखें, बहसियत बाप भी आप लिखें, क्या आप अपने बच्चों को ये मौका देते हैं कि वो खुल के अपनी बात आपसे कर सकें चाहे वो बात आपको पसंद ना हो। तो अगर आप हमेशा ये करते हैं तो छह पे निशान लगाएं, बिलउमूम करते हैं तो पांच पे निशान लगाएं, कभी कभार करते हैं तो चार पे निशान लगाएं, इसके साथ अब अक्सर करते हैं तो चार पे लगाएं, कभी कभार करते हैं तो तीन पे लगाएं, और नहीं करते तो दो पे लगाएं। अच्छा, मैं बच्चों से कुछ करने को नहीं कहता जब तक इस काम की वजह ना बताऊं। मतलब आप ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो काम
बच्चों से करवाते हैं, उसको बताते हैं कि मैंने आपको ये काम क्यों दिया। मसलन आप बच्चे से कहते हैं मेरे जूते पे पॉलिश करो, बच्चे से कहते हैं, तो आप जो भी काम उससे करवाते हैं क्या उसको बताते हैं कि ये आप क्यों करवा रहे हैं उससे? तो अगर ये आप हमेशा करते हैं तो 6 पे निशान लगाएं, ये आप बिलुमूम करते हैं तो 5 पे निशान लगाएं, ये अक्सर करते हैं तो 4 पे लगाएं, कभी कभार तो 3 पे, नहीं करते तो 2 पे लगाएं। अच्छा जी आगे देखें, मैं बच्चों की जरूरियात और एहसासात का ख्याल रखता हूं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात, ये तो हो गया ना जी 7 से आगे। अच्छा मैं बच्चों के मसाइल समझकर हल करता हूं ताकि इन्हें परेशानी ना हो, यानी मैं बच्चों के सिर्फ मसाइल सुनता नहीं हूं बल्कि उनके मसाइल हल करता हूं। तो 1 से 6 तक में देख लें कि आप उसमें क्या करते हैं। मैं बच्चों को उनके मुख्तलिफ कामों पे शाबाश भी देता हूं, यानी बच्चे जो अच्छा काम करते हैं मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, उनको अप्रिशिएट करता हूं। ये आप कभी कभार करते हैं, ये आप अक्सर करते हैं, ये बिलुमूम करते हैं, ये हमेशा करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में उसी तरह निशान लगाएंगे। आगे चलें, मैं घरेलू मामलात में बच्चों की तरजीहात का ख्याल रखता हूं। अगला, अगले पेज पे चलें। जी मैं बच्चों की राय का एहतराम करता हूं, मैं बच्चों को मसावी मुकाम और मर्तबा देता हूं, मैं बच्चों से कुछ भी चाहूं पहले वजह बताता हूं, बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखता हूं। अगर आपके बच्चों के साथ माँ या बाप दोनों अलग अलग एक फ्रेंडशिप दोस्ताना माहौल है तो कितना है वो कितना इसमें लिखें। जब ये आप लिख लें तो ये 13 सवालात हैं, इन 13 सवालात में आप करेंगे क्या, आप जरा 1 मिनट के लिए समझ लें, चाहे बेशक घर जाके दोबारा करें इस काम को। करेंगे आप ये कि अगर आपने यहां पे 5 पे निशान लगाया, यहां 4 पे लगाया है, यहां 3 पे लगाया है, तो आप पहले से लेके 13वें सवाल तक जिस नंबर पे निशान लगा रहे हैं, दोबारा सुन लें, तो आप ऐसे करेंगे कि 5 + 4 + 3 + 2 हर सवाल में जिस नंबर पे निशान लगाया है ना उसके नंबर को जमा करना और उसको 13 से डिवाइड कर देना। अभी ना करें, बता रहा हूं वैसे। आपने मिसाल के तौर पे पहले सवाल में 6 चीज 6 पे निशान लगाया, आपने दूसरे सवाल में 5 पे निशान लगाया, तीसरे सवाल पे 4 पे निशान लगाया, तो 6 + 5 + 4 इसको टोटल करेंगे तो 13 क्वेश्चंस में जिस जिस पे निशान लगाया सबको ऐड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वो लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई या नहीं समझ में आई? जिन लोगों की नहीं समझ में आई वो हाथ उठाएं और जिनकी समझ में आ गई वो हाथ उठाएं और जिन्होंने दोनों में नहीं हाथ उठाया वो हाथ उठाएं। किसी ना किसी में तो उठाना होगा ना। जी अब आगे चलें। ठीक अच्छा जी अब आगे कैसे करना है, आगे चलें। ऊपर ऊपर 1 सेकंड। अब जरा पहले वाले सवाल तो आपने सुन लिए, दूसरे सुने। जब बच्चा मुझसे काम की वजह पूछता है तो मैं कहता हूं जो कहा है वो करो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा हमेशा करते हैं, कभी कभार करते हैं, बिलुमूम करते हैं, नहीं करते हैं वो लिखेंगे। मैं टीवी, गेम, दोस्तों से मिलना वगैरह जैसे मामला में बच्चों को अख्तियार नहीं देता। मैं बच्चों के नापसंदीदा काम पर चीखता हूं। मैं बच्चों पर सख्त गुस्सा करता हूं। मैं बच्चों को कोई बुरा काम, मुझे कोई काम बुरा लगे तो मैं उनको मारता भी हूं। मैं तनकीद के जरिए बच्चों की इस्तलाह करता हूं, तारीफ नहीं करता हूं, उन पर तनकीद ज्यादा करता हूं ताकि वो ठीक हो जाएं। मैंने फिर कहा था कि सही सही लिखना है जैसा कि आप हैं, ये नहीं लिखना कि क्या अच्छा होता है, जैसे हैं वो लिखना है। अब आप हमेशा बच्चे पे तनकीद करते हैं तो 6 पे निशान लगाएं। मैं बच्चों सजा के तौर पर बच्चों को धमकाता भी हूं, बच्चों को सजा के तौर पर प्यार करना छोड़ देता हूं। जब बच्चे मेरी ख्वाहिशात के बरस काम करते हैं तो खुल के तनकीद करता हूं। बच्चों की सोच तब्दील करने में मुश्किल महसूस करता हूं। बच्चों को याद दिलाता हूं कि मैं उनके वालिद या वालदा हूं। मैंने जो काम अपने बच्चों के लिए किए हैं इन्हें याद दिलाता रहता हूं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, सुनाता रहता हूं। अब इसमें जैसे आप हैं वो आप लिख देंगे, फिर इसमें भी आप यही करेंगे, जिस नंबर पर आपने निशान लगाया है उन सबको जमा करेंगे और टोटल सवालात कितने थे इसके 13 थे, उसको जमा कर देंगे। तीसरा देखें,
मैं बच्चों को सुधारने में मुश्किल महसूस करता हूं, गड़बड़ करने पे बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देता हूं, मैं बच्चों को बिगाड़ता हूं, मैं बच्चों की बुरे रवैये को नजरअंदाज कर देता हूं। अब ये तीन तरह के पेरेंट्स हैं। जो पहले वाले पेरेंट्स थे, ऊपर आए, उनका नाम था, जो पहले वाले थे, अथॉरिटेटिव। अंग्रेजी में कहते हैं अथॉरिटेटिव, ये अथॉरिटेटिव, ये जो आपने पढ़ा ना, मैं बच्चों की जरूरियात एहसासात का ख्याल रखता हूं। अगला जो था उसको कहते हैं अथॉरिटेरियन, और जो आखिरी में था उसको कहते हैं परमेसिव या वेस्टर्न स्टाइल, मगरबी अंदाज की पेरेंटिंग। अब आप बताएं पहले वाले में से कितने लोग हैं, जरा हाथ तो उठाएं, थोड़े से ही हैं। तो दूसरे में से कितने हैं, तीसरे में से कितने हैं? 90% लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, ना वो पहले हैं, ना वो दूसरे हैं, ना वो तीसरे हैं, तो वो कौन है फिर वो? क्योंकि पेरेंट्स इन्हीं में से होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो अब आप घर जाके इसको दोबारा गौर से पढ़ें, और इसका मतलब ये नहीं है कि वालिद अगर लिखेंगे उनका भी और वालदा अगर लिखेंगे उनका, दोनों का जवाब सेम होगा, ऐसे नहीं होगा। हर एक की अपनी शख्सियत है, वो अपने अपने हिसाब से इसको लिखेंगे। ये लिखने के नतीजे में होगा क्या, आखिर में ये होगा कि एक और छोटी सी कैलकुलेशन होगी, उससे आपका पेरेंटिंग स्टाइल आप ना भी लिखें तो पता चल जाएगा। आप मुझे ठीक ठीक लिख के दे दें सिर्फ कि आपके ख्यालात क्या हैं, मैं इस पूरे नंबर को टोटल करूंगा और मैं खुद बता दूंगा कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, मैं खुद बता दूंगा कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इस पेरेंटिंग स्टाइल के साथ बच्चे की शख्सियत में क्या क्या खराबियां पैदा होंगी जिसके जिम्मेदार आप होंगे। अब वो क्या होंगे वो जरा देखें, पावर पॉइंट स्लाइड निकालें, पावर पॉइंट स्लाइड खोलें, बड़ी करें। अब आप गौर से देखें कि इसके नतीजे में, इस एक्सरसाइज के नतीजे में होगा क्या। जब आपका आंसर जवाब जो भी है वो आ जाए, तो आने के बाद क्या करना है, ये देखें इधर। वो जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स थे, जो पहले वाले थे ना, पहले वाले, वो यहां ये देखें, एक है इस स्टाइल को, ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है जो दूसरा वाला था, ठीक है। ये जो है ये कौन सा स्टाइल है, ये परमेसिव स्टाइल है, माफी बच्चा नहीं मांग रहा, माफी मां मांग रही है। और जो पहले वाला था, सबसे पहले वाला, उसका क्या नाम था, अथॉरिटेटिव। ये जो खसूसियात हैं ये अथॉरिटेरियन के हैं, ये जो खसूसियात हैं ये परमेसिव के हैं, और ये जो खसूसियात हैं, यहां मैंने पिक्चर नहीं दिखाई, ये वो पहले वाले के हैं जिसको अथॉरिटेटिव कहते हैं। अब आप देखें, जिनके दूसरे वालों में नंबर ज्यादा आए उनके बच्चे पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन वो ओबीडियंट होंगे, ओबीडियंट होंगे, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बात सुनेंगे, आप डांटेंगे गुस्से में, आपके सामने खामोश रहेंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, ये खुश नहीं रहेंगे, अनहैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये कौन सा स्टाइल है, ये कहलाता है अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। और ये जो ये वाला स्टाइल है, ये मगरबी स्टाइल, इसमें बच्चे एग्रेसिव होंगे, उनको अपने पर कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा था, वो आप अक्सर चलता रहता है रियल स्टोरीज के ऊपर, तो एक लड़के को दिखाया कि वो जेल में है, उससे पूछा कि तुम जेल में क्यों आए हो, तो उसने किसी का मर्डर कर दिया था। मर्डर क्यों किया, उसको ना सुनने की आदत नहीं थी, किसी ने उसको मना कर दिया तो उसको गुस्सा आ गया, उस गुस्से में उसने मार दिया। पूरे प्रोग्राम के बाद उसने पैगाम क्या दिया, उसने पैगाम ये दिया कि आज जो मैं इस हालत में पहुंचा हूं, इसके जिम्मेदार मेरी मां है, या मेरा बचपन है जिसमें मुझे ना करने की
जो आदत है ना कि मैं ना नहीं सुन सकता, ये आदत मेरे घर में पैदा हुई है कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया, जो मेरे जहन में बात आई उसको फौरन किया गया, लिहाजा मुझे अपनी जिंदगी में मैं जो चाहूं वह न हो ये मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। इसकी बुनियाद पे उसने एक बड़ा वो, ये कहलाता है वेस्टर्न स्टाइल की पेरेंटिंग, जिसको परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं, जिसमें आप बच्चे को उसके हाल पे छोड़ते हैं, इसको तनकीद नहीं करते, उसको टोकते नहीं है, बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। जो सबसे पहला स्टाइल था इसको अथॉरिटेटिव कहते हैं। उस स्टाइल की खास बात क्या है, अगर आप चाहते हैं बच्चा हैप्पी रहे, उसको अपने पर कंट्रोल ज्यादा हो, वो जो है फ्रेंडली हो, कोऑपरेटिव हो, स्कूल के अंदर हाई अचीवर हो, तो फिर वो जो सबसे पहले वाला हिस्सा था अथॉरिटेटिव, उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। जब आप 13 सवालात के जवाब को टोटल करें और उसको 13 से डिवाइड करें तो आपका जवाब सबसे ज्यादा आना चाहिए कंपैरेटिवली दूसरों के। अगर वो आ गया है तो आप अथॉरिटेटिव हैं। अगर आप अथॉरिटेटिव हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज देखेंगे, वरना फिर ये देखेंगे या ये देखेंगे। तो आज से पहले आप सोचते थे कि बहसियत वालिद या वालदा, आपके स्टाइल का बच्चे की शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि आपके स्टाइल का बच्चे की शख्सियत से बराह रास्त ताल्लुक है कि वो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते और वो किसी इदारे में बगैर किसी रिलेशन के, बगैर किसी माँ बाप के या किसी रिश्ते के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो इतने कामयाब कैसे बन जाते हैं? उनमें से कुछ बच्चे फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं। डिपेंड करता है कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। आपने कहा वो कामयाब क्यों होते हैं जो माँ बाप के साथ रहते ही नहीं है, बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहे हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनके गार्जियन होते हैं। गार्जियन और पेरेंट्स का फर्क पता है? पेरेंट्स तो माँ बाप हो गए ना। अगर माँ बाप नहीं है और किसी और ने पाला है तो वो गार्जियन होते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बहुत ही मुख्तलिफ सी मिसाल दे दूं जो आपको समझने में अजीब सी लगे। आप में से कितने लोगों ने अख्वानुल मुस्लिमून का नाम सुना है? नहीं सुना ना। मिस्र में जिनकी हुकूमत थी मुर्सी, मुर्सी का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है नहीं सुना? मिस्र में जो एक इलेक्शन से पार्टी आई जिसके बाद उसका तख्ता उलट दिया गया और सारे अंदर चले गए, इस पार्टी का नाम है अख्वानुल मुस्लिमून। ये जो यासिर अरफात हैं, यासिर अरफात नाम सुना है ना, यासिर अरफात का बाप अख्वानुल मुस्लिमून का इतना सरगर्म कारकुन था कि अगर कोई अख्वान के खिलाफ कोई बात कर दे तो फिर वो उसको मरने मारने पर उतर आता था, इतना एक्सट्रीमिस्ट था। लेकिन यासिर अरफात का चचा उसका उलट था और वो बिल्कुल इस्लामिक जहन उसका बिल्कुल नहीं था। तो यासिर अरफात को उसके बाप ने नहीं पाला था, यासिर अरफात को उसके चचा ने पाला था। तो उसकी शख्सियत पे उसके चचा के असरात थे, उसके बाप के असरात बिल्कुल नहीं थे। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि बेशक वो बाप के साथ नहीं रहा, इंतकाल हो गया, लेकिन उस बच्चे को जिसने भी निगरानी की है उसकी शख्सियत का असर उसकी जिंदगी पे लाजमी पड़ेगा। अब ये बात आ जाती है स्कूल के ऊपर। अक्सर लोग ये कहते हैं बच्चे के चलने फिरने का स्टाइल, बात करने का अंदाज, ये बात आपने सुनी होगी, जिस टीचर को बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता है, टीचर को बच्चा उसकी नकल इस तरह करता है कि वो वैसे ही चलना फिरना चाहता है, वैसे ही गुफ्तगू करना चाहता है, उस टीचर की शख्सियत को अपने अंदर देखना चाहता है, फॉलो करता है। अब जिन बच्चों की शख्सियत आपको अच्छी नजर आ रही है ना, चाहे वो यतीम खाना है, चाहे वो कोई भी जगह है, किसी ना किसी मुस्बत फर्द का उसके ऊपर असर है जिसकी वजह से आपको ये शख्सियत नजर आ रही है। अगर वहां का माहौल भी टोटली खराब है तो वो बच्चा खराब ही होगा। ये डिपेंड करता है कि जिस यतीम खाने में भी गया है उस यतीम खाने का माहौल क्या है। बात समझ में? बाज औकात बाप की सरपरस्ती में रहेगा और बाप अगर अथॉरिटेरियन होगा तो फिर क्या होगा वो देख लें।
बाज औकात बाप के पास नहीं भी रहेगा, कोई और गार्जियन होगा, लेकिन वो अथॉरिटेटिव होगा। तो अगर वो अथॉरिटेटिव माहौल में है तो हैप्पी लाइफ गुजारेगा, अथॉरिटेरियन माहौल में है तो अनहैप्पी लाइफ गुजारेगा, चाहे वो माँ है, बाप है, या वो इंस्टीट्यूशन है जहां वो रह रहा है। ठीक है, ये आप कुछ कह रही है, ये यहाँ के रिल्स के तो पेरेंट्स सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चा जो ज्वाइंट फैमिली रहता है, उसकी फुफो, चाचू, सब, दादा दादी में रहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? उसकी अच्छी भी होगी, खराब भी होगी, ये डिपेंड करेगा कि वहां लड़ाइयां कितनी होती हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाला बच्चा सोशल तो जरूर होगा, दोस्तियां बहुत ज्यादा होंगी, कजन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो वो बच्चा इस लिहाज से तो बहुत खुश रहेगा कि उसको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे खेलने कूदने के लिए, तो सोशल लाइफ में हैप्पी रहेगा। लेकिन घर में रहने वालों की अगर लड़ाइयां बहुत हैं और गीबतें बहुत हैं और अपनी वालदा को किसी और की शिकायत सुनते हो, किसी और को उनकी सुनवाई देखते हैं, तो उससे जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा अपनी जगह। हजरत नूर अलैहि सलाम का बेटा किसकी पेरेंटिंग में था जो उसकी शख्सियत पे असरात थे? आपको नहीं पता? हजरत नूर अलैहि सलाम के बेटे की बात कर रहा हूँ जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था, कश्ती में सवार नहीं हुआ था, अपने बाप की बात को नहीं फॉलो करता था, वो किसकी पेरेंटिंग में था, उस पे किसके असरात थे? नहीं मुझे ये ट्रेनिंग बताया, बता दे। नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इस वाक्य के बारे में डिटेल नहीं जानता। ठीक है जी जी, और कोई बात आप कर लें सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ताहिरा सईद। सर मैं ये समझती हूँ ऐसा बच्चा जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता है प्लस वो ब्रादरी सिस्टम में रहता है, वो ज्यादा शार्प होता है, शार्प माइंडेड होता है, देन वो बच्चा जो सिंगल फैमिली में रह रहा है जिसके सिर्फ एक ही बहन है या एक ही भाई है, और उसे भी यही कहा जाता है कि नहीं जी रूम में रहो, गर्मी है, सर्दी है, और उसको ये समझाया जाता है कि बाहर नहीं जाना, हाथ गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आई थिंक सो कि ऐसा बच्चा जो है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो जो तीन चार बच्चों के साथ मिलकर खेलता है, आया उसके फुफ्फो के बच्चे हैं या चाचू के हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल क्या है। मैं इस वक्त ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना उसके हक में बात कर रहा हूँ ना उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हक और उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि किस माहौल में रह रहा है। लोग ज्यादा हैं, कम हैं, साथ रहते हैं, नहीं रहते, ये और बात है, वहां का माहौल क्या है ये और बात है। आप में से कुछ लोगों ने शुरू में कहा था हम अच्छे स्कूल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अब घर का माहौल खराब हो और उसके असरात मुस्बत हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि बहुत ही खराब माहौल से भी बहुत से पॉजिटिव लोग निकला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। ये जो फॉर्म दिया गया ये मसलन के मेरे अपने बच्चों के लिए, ये आपके लिए है जी, इससे रिलेटेड मुझे सवाल पूछना चाहिए। गला खराब है, वेरी सॉरी। हां रील्स में आप सुबह इस मीटिंग में आए हूं, मेरे बच्चे ने मुझे इनवाइट किया था। रील इज द माइक माइक करीब कर लें। रील में जो मैंने देखे है ना, इसको अपने बच्चों की इनविटेशन में यही आया हूं, बहुत जबरदस्त शेयरिंग, बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन, और ये जितने भी सवाल है ना इनमें मैंने टिक किया, इसको आप खुद चेक कर लें। जी जी, यानी कि बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ये मैं फख्र महसूस करता हूँ रील्स पे, रील्स के स्टाफ पे और दीगर जिन्होंने जो ये पेरेंट्स मीटिंग जो है ना ये हम मुनक्कद की है, तो ये हमारे बच्चों के लिए ना कि किसी के बच्चे के लिए। बिल्कुल सही है, हमें अपने बच्चे के लिए बताना चाहिए ना के लिए मैं किसी के बच्चे के बताऊं। अच्छा ये किसी और के बच्चे के बताने के लिए नहीं है? हाँ, ये मेरे बच्चे, ये मैं जरा कंफ्यूजन दूर कर लें। ये जो मैंने फॉर्म लिख के आपको दिया है ये आप दूसरों के बच्चों को कैसे डील करते हैं उसके लिए नहीं है, आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं। अपने बच्चों को जब आप डील करते हैं तो आप कैसे डील करते हैं ये उसको फिल करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल कर लें। जी पूछे कर ले सवाल। जी जी अच्छा
जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि बच्चा एडवेंचरर हो, जबकि दूसरे उसके चचा वगैरह उसकी छोटी छोटी बातों पर तनकीद करते हैं, तो उस तरह बच्चे पर क्या इफेक्ट होता है? अच्छा चले मैं अब इस पर डिटेल में बात कर ही लूं फिर, अभी तो मैं नहीं करना चाह रहा था। बच्चे गांव के ज्यादा खराब होते हैं शहर के? जिनका ख्याल है गांव के बच्चे ज्यादा खराब होते हैं वो हाथ उठाएं, और जिनका ख्याल है शहर के बच्चे ज्यादा खराब होते हैं वो हाथ उठाएं। ये शहर वालों में ज्यादा हाथ उठाया, हालांकि ये बात ठीक नहीं है। शहर के बच्चे के पास फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं होता, और गांव के बच्चे के पास टाइम बहुत होता है। मैं तो सर्वे बता रहा हूं अपनी उसमें। देखिए एक सेकंड, मैं गांव के खिलाफ बात नहीं कर रहा। अच्छा ये कह रहे हैं ठीक है, ये तो मेरे हक में बात कर रहे हैं, फिर ठीक है, फिर आप फेवर में बात कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जिस वक्त बच्चे के पास वक्त बहुत है और उसके लिए कोई अच्छी मसरूफियत नहीं है, तो मसरूफियत तो उसकी होनी है, तो वो क्या करेगा? वो दिमाग अगर किसी अच्छे काम में नहीं चलेगा तो खराब में चलेगा। शहर वाले बच्चे के पास टाइम ही नहीं होगा, टाइम होगा तो कुछ करेगा ना, वक्त ही नहीं होगा उसके पास। घर का माहौल ये है कि खवातीन होती हैं फारिग, फारिग ही होती है ना, मसरूफियत तो कोई होती नहीं है सिवाय स्टार टीवी देखें, फलाना देखें, फलाना देखें, टीवी ड्रामे देखें। तो जाहिर है जब फारिग बैठी होती है तो जाहिर मुस्बत काम कम ही होते हैं, मनफी ज्यादा होते हैं। तो अब अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में माँ एजुकेटेड नहीं है, बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं है, बच्चा घर में आके बैठा हुआ है, माँ को ड्रामा देखने से फुर्सत ही नहीं है, वो मौजूद भी है सामने और मौजूद नहीं है, घर में एक दूसरे का माहौल ऐसा है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, गीबतों का माहौल है, जाहिर है ये एक मुस्बत माहौल अगर नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है शख्सियत खराबी होगी। हाँ बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि घर के लोग बहुत बाशहूर हैं, घर का एक हेड है जिसने पूरे घर का एक निजाम बना रखा है, एक मुस्बत निजाम। अब मैं आपको हैरान होंगे ये सुनकर, हमारे एक दोस्त का इंतकाल हुआ अब से कोई चंद महीने पहले, उनके 18-20 स्कूल थे, उनकी जो इंतकाल हुआ तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम हुआ, हमने ऑर्गेनाइज किया, एजुकेशन के वाले से थे। उस प्रोग्राम में उनके बेटे ने क्या तकरीर की आप सुन के हैरान होंगे, बेटे ने, जवान बेटे ने, बेटे ने उस मजमे में कहा जी मेरे वालिद ने 2 शादी की थी और वो पहली मां जो थी उसका बेटा था, दूसरे का नहीं। उसने कहा मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि मेरे वालिद ने 2 शादी की थी, हम एक ही घर में रहते थे, हमारी दूसरी वालदा भी, मैं पहली वालदा का बेटा था, मैं ये बात पूरी यकसुई से कह सकता हूं कि मेरे बाप ने उस घर में मुकम्मल इंसाफ रखा था। कौन कह रहा है? बेटा। किस बीवी का? पहली, दूसरी का नहीं। जिसके अंदर क्या होता है आमतौर पे? रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है ना। वो कहता है इंसाफ रखा, घर का माहौल हमारा एक आइडियल माहौल था, वो अपने वालिद साहब की क्वालिटीज बता रहा था। ये वो शख्स था जिसका इंतकाल हुआ कि जिसका एक वाकया सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है बैलेंस रखना। जिस दिन इन साहब का इंतकाल हुआ उससे 2-3 दिन पहले मेरी भी बातचीत हुई उनसे, तो बेटे ने कहा कि मेरे वालिद ने इंतकाल वाले दिन सुबह फोन किया, इंतकाल से 1-2 घंटे पहले। यहां से जब केपी के जाएं तो जहांगीरा एक इलाका है, वहां के रहने वाले थे। तो उसने कहा वालिद ने मेरी वालदा को फोन करके कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जहांगीरा आ रहे हैं आज शाम को। क्या देखा है? आज शाम को जहांगीरा आ रहे हैं। तो मां ने, बीवी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं वो जहांगीरा आ रहे हैं मेराजुद्दीन की नमाज जनाजा पढ़ाने, और 1 घंटे बाद इंतकाल हो गया वाकई के बाद। अच्छा इस शख्स को मैं करीब से जानता हूं, डिस्कस भी करता हूं। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप बैलेंस रखें, ये आसान काम नहीं है कि आप बैलेंस रखें, तवाजुन रखें, इंसाफ कर पाए। हां अगर आप करते हैं तो फिर जाहिर है ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा कोई नेमत नहीं हो सकती। फिर आपने से केपीके में कुछ लोगों ने सुना होगा, पंजाब में भी सुना होगा, मुझे मामला नहीं पता, कजन को कजन का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। सुना है?
उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मैं वो लफ्ज भूल गया हूं जिसके मीनिंग अच्छे नहीं है। क्या यूज करते हैं पंजाब में? शरीका करते हैं, लेकिन केपीके में कुछ और करते हैं, उसका मतलब वो होता है जो सबसे करीबी होता है कजन, उससे मुतालिक ये चीज क्यों होती है? अगर आप ताने का माहौल रखें कि तुम्हारे कजन देखो उसने नंबर कितने अच्छे लिए, तुमने खराब ले लिए, एक घर में होंगे तो ये होता है ना डिस्कस, वो देखो उसको इतनी शील्ड मिली तुम्हें शील्ड नहीं मिली, तुम थर्ड आए वो फर्स्ट आया, ये कंपटीशन नहीं है। आप जितनी बातों में उसको ताने देंगे उसकी शख्सियत को खराब करेंगे। आप उसकी मुस्बत चीज पर उसकी तारीफ करें, दूसरे की मुस्बत चीज पर उसकी तारीफ करें, उसको उसके साथ कंपेयर मत करें। अगर आप उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप उसकी शख्सियत को खराब करेंगे। ये एक साथ रहने में बहुत होता है, ये वैसे भी होता है। तो आइडियली तो जाहिर है मगरबी माशरा उसमें तो खानदानी कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ज्वाइंट फैमिली एक बड़ी आइडियल अच्छी चीज है, बशर्ते कि मां पढ़ी लिखी है, बाप पढ़ा लिखा है, चचा पढ़ा लिखा है, सब पढ़े लिखे हैं, एक अच्छा माहौल उन्होंने घर का रखा है, तो जाहिर है उसके मुस्बत असरात होंगे। तो मैं बार बार फिर ये कह रहा हूं मुस्बत या मनफी का ताल्लुक इस पे है कि घर के सरबराह ने घर का माहौल क्या रखा है। ठीक है जी, तनकीद के माहौल में बच्चे को पलना नहीं चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि जब अथॉरिटेटिव स्टाइल की बात हो रही थी तो बाप ये कह रहा है कि जब मैं बच्चे को कोई काम कहता हूं तो उसकी वजह बताता हूं, डिस्कशन करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको आजादी दे दी है, आजादी नहीं दी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हालांकि मेरी अहलिया ने मना किया था ये मिसाल मत दें, लेकिन फिर भी दे देता हूं और आपने उसके उसमें माशाल्लाह जरूर बोलना वरना गड़बड़ हो जाती है। मेरा बेटा जो है इस वक्त जब 11 साल की उम्र का था, अब से कोई 6-8 महीने पहले था, तो वो 3 किताबों का अल्हम्दुलिल्लाह ऑथर है, मुसन्निफ है। 11 साल पांचवी क्लास के बाद, पांचवी क्लास में पढ़ के, इसमें सिवाय मां के और किसी का कोई किरदार नहीं है। मैं स्कूल को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, प्रिंसिपल को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, मां से मुराद मैं अपनी अहलिया की बात कर रहा हूं। मैं अपने बेटे को पिछले साल जापान लेके गया, मुझे जापान जाना था, अहलिया को भी लेके गया। मैंने जापान जाते वक्त उसको कहा कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे जापान का और श्रीलंका का सफरनामा लिखा हुआ इंग्लिश में चाहिए। तो उसने वापस आके 80 सफे की, 80 पेजेस की किताब लिखी है, माई स्वीट मेमोरी, जो इस वक्त बड़े बड़े बुक स्टोर्स पे पड़ी है और सेल हो रही है। किसका रोल है? मां का, अब से नहीं है, जब वो 6 महीने का था मैं उस वक्त से देख रहा हूं, मैं 6 महीने का था मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि मेरी अहलिया क्या करती है उसके साथ। उसके सामने किताबें रख देती हैं, लागे पढ़े ना पढ़े, हमारे पास तस्वीरें हैं उसकी। जब वो 1 साल का है तो उसके सामने किताबें बिखरी हुई हैं, वो उन किताबों से खेल रहा है, उसके टाइटल देख रहा है, अंदर से देख रहा है। इस पूरी तवज्जो का असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि वो पढ़े बगैर कोई भी किताब सो ही नहीं सकता। मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, उसकी रीडिंग हैबिट ऐसी है कि वो पढ़े बगैर सो ही नहीं सकता। वो रीडिंग को कहता है ये है मेरा एंजॉय टाइम, और एंजॉय टाइम ये है कि जब वो बिस्तर पे लेटा होगा तो आमने सामने 3-4-5 बड़ी बड़ी किताबें फैली हुई होंगी, हालांकि वो इस वक्त किसी स्कूल में नहीं जाता क्योंकि वो हिफ्ज कर रहा है, वो किसी स्कूल में नहीं जाता। इससे पहले जब वो 3री क्लास में था तो एक किताब का ऑथर था, और किताब कौन सी थी? किताब का टाइटल था ज्योग्राफी ऑफ इस्लाम, उसने इस्लामिक वर्ल्ड की ज्योग्राफिया पे एक किताब लिखी थी। तो वो नक्शों को और मैप को जो मैंने उसको पढ़ाया, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है उतना एमए पास नहीं कर सकता। इसमें सिवाय मां और बाप के किसी का कोई किरदार नहीं है। ये मैं बाहर की मिसाल नहीं दे रहा, ये मैं घर की मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, मिसाल देने से होता ही है कि फिर वो गड़बड़ करने लगता है। मेरी वाइफ कहती अब नहीं कहना बाहर जाके कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा था माशाल्लाह जरूर कहते हैं ताकि फिर गड़बड़ ना हो।
अब मैं बताता क्या हूं, मैंने इसी गुजरावाला में एक एक हजार चार चार सौ प्रिंसिपल से ये डिस्कस किया होगा कि टीचर और प्रिंसिपल अगर ये डिसाइड कर ले या मां ये डिसाइड कर ले कि मैंने इस बच्चे में ये क्वालिटीज पांच साल बाद देखनी हैं, तो अगर मां को अवेयरनेस हो तो स्कूल के बगैर भी मां बच्चे में ये क्वालिटी पैदा कर सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बेटे ने ना क्लास थ्री पढ़ी है ना उसने क्लास फोर पढ़ी है, हमारी ट्रेवलिंग की वजह से, ट्रेवलिंग की वजह से, लेकिन घर में हमने उसकी चंद स्किल्स डेवलप करवाई हैं, चाहे वो रीडिंग स्किल है, उसकी राइटिंग स्किल है, और बल्कि मैंने शायद यहां पे रखा हुआ भी है। ये देखें, ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब के जुमले पांचवीं क्लास के बच्चे के सुने अंग्रेजी में। जैपनीज पीपल आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड हैव देयर ओन बिलीव। वी सॉ ए ब्रिज व्हाइल पासिंग इब्राकी केन प्रोविंस एट किविशिकी सिटी। वी इवन सॉ ए ब्रोकन ब्रिज इफेक्टेड। जब वो मेरे साथ गाड़ी पे ट्रेवल कर रहा है टोक्यो से, तो रस्ते की चीजों को नोट करता जा रहा है कि मैं कहां से गुजर रहा हूं, मैंने क्या देखा है, और वो सारी चीजों को अपनी तहरीर में लिख रहा है। ये पूरा सफरनामा है उसके अंदर। इसी तरह आई वेरियस सून इट वॉज टाइम टू गो टू अर मेंशन विच वॉज सिचुएटेड इन हाफ एंड फलाना फलाना। ये बता रहा है कि डे 15 में मैंने क्या किया, डे 9 में मैंने क्या किया, और ये है किताब का ऑथर। तो देखें, आप यहां रह के अगर मां दिलचस्पी हो और बच्चे की राइटिंग स्किल और बच्चे की रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होती है इसको जान ले, और स्कूल इसको समझा दे, तो अगर इस पे वो नर्सरी केजी क्लास से तवज्जो दे तो चौथी पांचवी क्लास तक वो काम कर सकता है जो एमए और एमएससी पास नहीं कर सकता। लेकिन इसमें अवेयरनेस क्या चाहिए, इसमें अवेयरनेस चाहिए रीडिंग के लिए घर में माहौल क्या बनाए, उसे किताब से मोहब्बत कैसे पैदा हो, वो इसको बर्डन समझने के बजाय इसको एंजॉय कैसे करे। अगर आपने अर्ली लाइफ में ये कर दिया तो ये सारी जिंदगी के लिए उसके लिए एक एसेट होगा। मैं एक वाकया बाहर का सुनाता हूं। लंदन एयरपोर्ट पे मैं कोई 10-12 घंटे पहले पहुंच गया, रात के वक्त, सुबह मेरी फ्लाइट थी। तो लंदन एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था, तो एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र शायद 70-75 साल हो, वो मेरे बराबर में बैठी हुई थी और एक नॉवल पढ़ रही थी या किताब पढ़ रही थी, पता नहीं क्या पढ़ रही थी। अब आप उनकी रीडिंग हैबिट देखें, मैं अपनी चेयर पे बैठा सुबह का इंतजार कर रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, और वो किताब पढ़ रही है। एक डेढ़ घंटे बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूं वो ऐसे ही किताब पढ़ रही है जैसे लग रहा है कि कोई जिंदा भी है कि नहीं है, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। एक दो घंटे के बाद फिर मेरी आंख खुलती है, फिर मैं देखता हूं वैसे ही पढ़ रही है। मैं हैरान हूं कि वो औरत 4-5 घंटे इस तरह पढ़ रही है, उसमें इतना स्टेमिना कहां से है, उसकी हैबिट। तो उन लोगों ने बचपन से जो रीडिंग हैबिट डेवलप की है, उस रीडिंग हैबिट की वजह से हम इंतजार कर रहे हैं कि जहाज ने कब चलना है, और वो सुकून से 4-5 घंटे किताब पढ़ रही है। तो अगर बचपन में इस बच्चे की रीडिंग राइटिंग इस तरह और बहुत सारी हैबिटें हैं वो पैदा कर दें, तो ये सारी जिंदगी के लिए उसके लिए एसेट है। जिसको पढ़ने की आदत नहीं है उसको पढ़वाना बहुत मुश्किल है, और जिसको पढ़ने की आदत है उससे न पढ़वाना बहुत मुश्किल है। तो एक आखिरी बात मैं करता हूं सवाल जवाब से पहले, एक बहुत मशहूर किताब है, अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको पढ़ें, उर्दू में शायद अवेलेबल भी है। दो किताबों का जिक्र कर रहा हूं, एक उर्दू में है एक में नहीं है। उस किताब का नाम है मिलियन डॉलर हैबिट बुक, टाइटल है उसका। इस किताब का एक अंग्रेज राइटर है, उसका नाम है ब्रायन ट्रेसी, जिसका नाम भी आया था अभी। हैबिट बुक कॉन्सेप्ट क्या है, तसव्वुर क्या है, तसव्वुर यह है, वो कहता है कि हमने अपनी जिंदगी में जो भी सक्सेस हासिल की है उसकी रिसर्च ये है, उसमें 90% से ज्यादा हमारी आदतों का अमल दखल है। हैबिट, डिग्री का नहीं कहा उसने, हैबिट।
उसने कहा आपने जो भी सक्सेस हासिल की जिस जगह पर पहुंचने उसमें गौर करें तो आपकी हैबिट या आपकी आदत का अमल दखल है। मसलन मुझे वक्त पर आने की आदत है, मुझे वक्त पर आने की आदत नहीं है, ये आदत है ना, इस आदत के असरात कई चीजों पर होंगे, ये हैबिट है। इसी तरह इस किताब की बेस पे दूसरी किताब सुन ले जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। कहा यह जाता है कि दुनिया की तारीख में जो 10 किताबें टॉप 10 किताबें मैनेजमेंट पे लिखी गई होंगी उसमें सब टॉप 10 किताबों में किताब का नाम आता है, इसको कहते हैं 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसको उर्दू में कहते हैं दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में 7 आदतें क्या थी, 7 आदतें क्या थी। ये उर्दू में भी है किताब, ये इतनी किताब मशहूर हुई कि इस किताब की 2.5 करोड़ कॉपियां सेल हुई हैं। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने इस किताब के ऑथर को बुलाया और कहा कि मेरी हुकूमत में मेरा जो ये पार्लियामेंट है इसमें इस किताब को इंप्लीमेंट करा के दो। 7 हैबिट ऑफ हाईली आदत। फिर आदत के बारे में उसने क्या कहा, उसने कहा दुनिया की किसी भी मजहब की किसी भी शख्सियत को उठा के देख लो उसके अंदर ये 7 आदतें होंगी। हैबिट, उस हैबिट में से एक हैबिट का नाम है जिसका वालदैन से बहुत ताल्लुक है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में बिगिन विद द एंड इन माइंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। उर्दू में इसको कहते हैं इख्तिताम को देखकर आगाज करो, इख्तिताम को देख के आगाज से क्या मुराद है, एक कॉपी पकड़े अपने पास और बताएं आज से 20 साल के बाद अपने बच्चे में क्या देखना चाहते हैं, लिखें। ये हो गया एंड, लिख लीजिएगा जाने के बाद, ये हो गया एंड। फिर क्या कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, अगर आज से 20 साल बाद चाहते हैं कि ऐसा हो तो आज क्या करना पड़ेगा। कहता है किसी भी कामयाब तरीन फर्द में देखें ये आदत उसके अंदर जरूर होगी कि वो एंड को पहले देखता है और आगाज उसके बाद करता है। आप बहसियत मां बहसियत बाप अपने बच्चे में जो क्वालिटीज देखना चाहते हैं लिखें और ये सारी क्वालिटीज लिखने के बाद अब आप सोचें कि ये पैदा कैसे होंगी। और इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूं, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप में से हेल्थ सेहत के ऊपर एक मिसाल सुने और उसके बाद ये प्रोग्राम फिर एंड करते हैं। मेरा नाम, आपका क्या नाम है, आए ना खालिद साहब जरा यहाँ पे, आपका क्या नाम है, मुख्तार साहब आप भी हैं, एक और वकास साहब, ये खालिद साहब हैं, ये वकास साहब हैं, एक और चाहिए, आप आ जाएं, आपका क्या नाम है, अच्छा भाई नाम याद रखना है आपने, ये एजाज साहब हैं, ये वकास साहब हैं और ये खालिद साहब हैं। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। मैंने खालिद साहब से, एजाज साहब से और वकास साहब से ये पूछा कि आज से 10 साल के बाद आप अपनी सेहत कैसी देखते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे, कैसी सेहत देखते हैं, अच्छी देखता हूं जवान दे, अगर मैं केयर करूंगा तो मैं ठीक हूंगा इंशाल्लाह, अच्छी सेहत देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, होपफुली अच्छी होगी, अच्छी देखना चाहते हैं। इन तीनों ने जवाब दिया अच्छी देखना चाहते हैं, इसलिए इन तीनों में से किसी की भी अच्छी अल्लाह ना करे ना रहे। गौर से सुने जवाब, इन्होंने कहा एजाज साहब ने अच्छी देखता हूं, सॉरी खालिद साहब, अगर एजाज साहब ये जवाब देते कि आज से 10 साल के बाद मेरा वजन जो है वो 65 केजी होगा, बताते या 65 टू 70 होगा, ये जो कमर है इनकी वेस्ट ये बताते कि ये 28 से 30 के दरमियान होगा, ये बताते कि आज से 10 साल के बाद मैं 5 किलोमीटर तक पैदल चल सकूंगा, अच्छी सेहत बता रहे हैं ना, या 5 से 10 किलोमीटर तक चल सकूं, 5 से 6 किलोमीटर चल सकूंगा। अब इनके बाद अगर इनकी बारी आती तो इन्होंने तो ये कहा था ना कि 65 टू 70 वेट होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बताते कितना होगा, वेस्ट बताते कितना होगा, और ये बताते इस तरीके से, ये बताते कि 65 केजी वेट होगा, 28 वेस्ट होगा, मैं ब्रिस्क वॉक इतनी कर सकूंगा, जॉगिंग में इतनी कर सकूंगा, कोलेस्ट्रॉल का मेरा लेवल ये होगा, ये सारी चीजें ये बयान करते हैं। एजाज ये जो खालिद साहब है ये सिर्फ कहते हैं अच्छी सेहत होगी, ये उसकी जरा सी डिटेल बताते हैं, ये उसकी तफसील और डिटेल से बताते हैं। अभी आधे घंटे बाद यहाँ पे कोई लंच ब्रेक होता
तो मुझे बताएं वहां पे खाने पीने की चीजें रखी होती, चिकनाई भी होती, सारी कुछ होती, इन तीनों में सबसे मोहताज कौन होता? खालिद साहब, एजाज साहब या वकास साहब? कौन होता? वकास साहब सबसे मोहताज होते। क्यों? इनके जहन में अपना वेस्ट भी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी है, ये कितनी वॉकिंग कर सके ये भी है, इन्होंने रखा है, ये थोड़ा कम मोहताज होते और ये इंजॉय करते, सबसे ज्यादा खाते पीते, कुछ नहीं सोचते। बात समझ में आ रही है ना? अब आप मुझे ये बताएं, अगले 10 साल के बाद अगर ये भी अपना हदफ ना हासिल कर दे, ये भी अपना हदफ ना हासिल कर दे, ये भी अपना ना हदफ हासिल कर दे, फिर भी अंदाजा क्या था इन तीनों में से सबसे बेहतर सेहत किसकी होती? वकास साहब। तो तब्दीली कब आनी थी? 10 साल के बाद। और एक्शन कब तब्दील हुआ? आज। तो कहते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मुस्तकबिल की पिक्चर जितनी वाजे लिख लेंगे कि उसमें क्या देखना चाहते हैं, उतना ही डे बाय डे मोहतात रहेंगे कि मेरे ये करने से, ज्यादा सोने से, कम सोने से, तवज्जो ना देने से, इस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज पैदा नहीं हो सकेंगी जो मैं देखना चाहता हूं। तो अगर अपने पेरेंटिंग स्टाइल को ठीक करना होगा तो फिर आपको उस बच्चे में क्या देखना है नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद, उसको वाजे तौर पर लिख के ये समझना होगा कि अगर इस बच्चे को वो माहौल हमने नहीं दिया तो ये वो नहीं बन सकेगा जो हम इसको बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम खत्म हो गया है और एक पैगाम के साथ आखिरी जुमला। अगर यहां अक्सर पेरेंट्स वर्कशॉप के बाद लोग कहते हैं ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी, अब क्या करें, अब तो बच्चे में जो क्वालिटीज आनी थी वो आ चुकी है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि दुनिया की जिंदगी 3 दिन की है, गुज़िश्ता दिन अपना सब कुछ लपेट कर चला गया, आने वाले कल तक पहुंचना यकीनी नहीं। तो तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, जो करना है इसमें कर लो। अंग्रेजी में कहते हैं द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज 2-3 डेज। दुनिया की जिंदगी 3 दिन की है। Yesterday has gone with all that was done in it. जो होना था वो हो चुका, जितना खराब करना था बच्चे को वो कर दिया। Tomorrow you may never reach. अब ठीक हो जाएंगे, कहते हैं कल किसी ने देखी नहीं है। माजी में जो हो चुका वो हो चुका, कल किसी ने देखी नहीं है, अब जो चीज करना है वो क्या है? Today is for you. So do what you should do today. इसका मैसेज ये है कि अब कर लेंगे को छोड़ें, आज के बाद जाएं अपने बच्चे का मुस्तकबिल जो देखना चाहते हैं उसकी तस्वीर कशी करें, करने के बाद टीचर को भी पकड़ें, प्रिंसिपल को भी पकड़ें और खुद अपने आप को भी हम ठीक करें, तो इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में इंशाल्लाह फ्यूचर में वो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस के साथ वो पर्सनैलिटी बन पाएगी जिसको कि हम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बेहतर वालिदैन बनने में मदद जरूर मिलेगी। नहीं? इफ यस, तालियों की आवाज बड़ी कम आ रही है, लग रहा है कि शाहिद साहब ने सही तरह से आपको बताया नहीं है या आप समझ नहीं सके हैं। तो शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त निकाला आज रिल्स के लिए, रिल्स के वालिदैन के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप सब यहां पे उनसे वो बातें कर पाएं और कुछ ऐसी चीजों को समझ पाएं जो आज से पहले नहीं कर रहे थे या उस तरीके से नहीं कर रहे थे। तो मैं तवक्को करता हूं कि एटलीस्ट आप में से कुछ, अगर नहीं सब, तो कुछ लोग अपने आप को जरूर तब्दील करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। आपका फ्यूचर आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं यहां ये बिल्कुल एक प्राइवेट इदारे के ऑनर होने की हैसियत से बरमला ये कहता हूं कि दुनिया का कोई इदारा, दुनिया का कोई टीचर वालिदैन से बढ़कर बच्चे को अजीज नहीं रख सकता।
والدین سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتا. ہاں کچھ ادارے کچھ ایک ایریا پہ توجہ دیتے ہیں تو دوسرے ادارے دوسرے پہ دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اپنے تسلسل سے کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچے میں کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے کرنا ہے، یہ اس کا آغاز بھی آج سے آپ نے ہی کرنا ہے، اسی حوالے سے لے کر آنا ہے. بہرحال اس سیشن کے حوالے سے اگر کوئی سوال ابھی بھی کسی کے ذہن میں ہو، کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو شاہد صاحب کی طرف سے. جی بالکل، مائک فیضان جسٹ ریز. میرا نام نازی انجو، میں سر میرا ایک کوسچن یہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں والدہ جو ہے وہ باپ کا بھی رول کر رہی ہے، ماں بن کے بھی ان کو پال رہی ہے، ٹیچر بن کے بھی ان کو پال رہی ہے، تو سم ٹائمز بچے جو ہیں وہ ایسا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو باپ کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ انفیریئرٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. اس کمپلیکس سے بچانے کے لیے مجھے سجیشن چاہیے کہ کیسے میں ان بچوں کو اپنی انفیریئرٹی کمپلیکس سے نکال سکتی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آج کا چونکہ یہ دو گھنٹے کا سیشن اور خاصی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، جو انڈیویجول کیسز ہیں کہ آپ کے ساتھ انڈیویجولی اگر کوئی ایشوز ہیں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے بعد اس میں کچھ ڈیٹیل اصل میں مجھے چاہیے ہوگی. ڈیٹیل دیے بغیر بتانا مشکل ہوگا کہ اس بچے میں گیپ کیا ہے. ظاہر ہے کہ باپ کے نہ ہونے سے فرق تو پڑتا ہے، لیکن میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ماں کا، لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے لیڈ یونیورسٹی. اس میں ایک لیڈ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، یہ لیڈ یونیورسٹی والوں کی نہیں ہے، مطلب انہی کی ہے لیکن لیڈ جی. اس یونیورسٹی کے اونر نے مجھے ابھی ایک مہینے پہلے ایک ٹریولنگ ہم کر رہے تھے ساتھ، مجھے بتایا جو کالج چلا رہے ہیں خاص طور پر، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے بچوں کو پڑھایا بھی اور ان کو گائیڈ بھی کیا اور ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی پیدا کی. تو یہ تین بھائی ہیں جو بالکل لوور مڈل کلاس، جس کو آپ کہتے ہیں نا، لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے، بہت ہی لوور مڈل کلاس سے، لیکن یہ تینوں کے تینوں بھائی آج دنیا میں بڑے اہم مقام پر ہیں، صرف اپنی ماں کی اس ٹیچنگ کی بنیاد پہ، ماں کی بنیاد پہ. تو بعض اوقات اس طرح کے چیلنجز ہو جاتے ہیں کہ ماں کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ ماں کو بچوں کی شخصیت کیسے بنتی ہے، اس میں اس کا رول کیا ہوتا ہے، اس کو اس نے کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس بارے میں اس کو پتا ہونا ضروری ہے. تو اس پروگرام میں ایسے کچھ لوگ جو اپنے انڈیویجول کیسز، تو وہ ریلز کی مینجمنٹ کو دیں، وہ مینجمنٹ مجھے وہ کیسز لا کے دے، میں ان کیسز کی کچھ ڈیٹیل لوں گا. ڈیٹیل لینے کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ جو آپ کمی محسوس کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے ریزنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اسپیسیفک جواب دینا اس وقت بغیر معلومات کے وہ مشکل کام ہوگا. جی السلام علیکم. جی جی. جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بچوں کو شوق سے یا دوسروں کے بچوں کی طرف دیکھ کے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بھی ریلز میں آئیں یا دی میں آئیں یا کسی اسکول میں آئیں، پرائیویٹ میں ہمارا بچہ بھی پڑھا لکھا بن جائے، تو وہ کیسے گائیڈ کرے؟ ایک تو دیکھیں ٹھیک ہے، ان کو ٹیچر کی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ ہر وقت وہ تو نہیں جا سکتے باتیں کرنے کے لیے. ان پڑھ پیرنٹس میں اور جاہل پیرنٹس میں فرق ہے. ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جاہل نہیں ہونا چاہیے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک نہیں کیا، آپ نے ایف ایس سی نہیں کیا، آپ نے فلانا نہیں کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے میتھمیٹکس میں ٹھیک ہونا، اس کا سائنس میں ٹھیک ہونا، اس کا فلانا پہ ٹھیک ہونا ٹیچر کی ذمہ داری ہے، ٹیچر وہ کرے گا، لیکن اس کی شخصیت کے اندر جو منفی چیزیں گھر میں آ رہی ہیں، ماحول سے آ رہی ہیں، اس کے کردار کو خراب کر رہی ہیں، اس کی شخصیت کو خراب کر رہی ہیں، یہ تو ان پڑھ ماں بھی جانتی ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے. اس میں تربیت کا عمل دخل زیادہ ہے، اس میں ڈگری کا عمل دخل اتنا نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ پیرنٹس کا بہت رول ہے. بعض ادارے لاہور میں ایسے ہیں کہ جہاں آپ بچے کو ہاسٹل میں بھیجیں، وہ ٹوٹلی تربیت ہاسٹل میں ہوگی، تو وہ بہتر نہیں کہ بچے یہ معاشرے کا جو بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہاسٹل کیا ہے، لیکن ایسے بچوں کو ماں باپ سے محبت بہت کم ہوگی. اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ لے لیں
एक बाप जो मुल्क से बाहर जाता है, और यहां के लोग बाहर रहते हैं खासे, और 20 साल तक बच्चे के लिए पैसे भेजता हूं बाहर से, और मैं बड़ी सख्त बात करने जा रहा हूं, जरा सुन लें इसको। फैमिली साथ उनके नहीं रहती, जब वो 20 साल के बाद, बेशक वो हर साल एक हफ्ते के लिए आता हो, दो हफ्ते के लिए आता हो, इन औलादों को अपने बाप से कोई उस तरह की मोहब्बत नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि इसने कभी बाप को मेहनत करते देखा नहीं है। जब कभी ये बीमार रहा तो उसने बाप को अपने करीब नहीं देखा, लिहाजा उसकी एफिलिएशन बाप से कभी नहीं होगी, और वो पैसे कमा के देता रहेगा और आखिरी वक्त में आके पछताएगा। तो कम खा लें लेकिन रहें साथ, अगर बच्चे की शख्सियत को बचाना चाहते हैं, जिसकी शख्सियत बनाना चाहते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं और बहुत खराब मिसालें हैं। देखिए मियां बीवी का भी क्या रिश्ता होगा जब साथ है ही नहीं। साथ आदमी रहता है, अच्छे बुरे हालात में रहता है, अटैचमेंट उसी से होती है, और अटैचमेंट किस चीज से होती है? ना मैंने आपके बुरे हालात देखे, ना आपने मेरे बुरे हालात देखे हैं, ना मैंने आपके अच्छे हालात देखे, ना आपने मेरे अच्छे हालात देखे हैं, तो मेरी आपकी क्या इमोशनल अटैचमेंट होगी? तो इस तरह के जो मामलात होते हैं खासतौर पे, मतलब जो असरअंदाज होते हैं, तो इन चीजों को भी जहन में रखना चाहिए। केस स्टडीज पढ़ेंगे तो ऐसी 85 स्टडीज पढ़ाई जा सकती है कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इसका मतलब है खासे लोग बाहर हैं। जी जी सर, अक्सर बच्चे सर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसकी क्या रीजन है? देखिए एक एक चीज के बारे में एक बात समझ लें कि हर बीमारी का इलाज पैरासिटामोल नहीं है। इसीलिए जब आप किसी इंडिविजुअल केस को डिस्कस करेंगे तो उस केस का बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि ये क्यों है। ये आपके पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से है, ये स्कूल की टीचर की वजह से है, ये किसकी वजह से है? हम स्कूलों में टीचर्स को कहते हैं कि भाई हर बच्चे को अप्रिशिएट किया करो, हर बच्चे को अप्रिशिएट किया करो। क्यों भाई? किसी में एक क्वालिटी होगी, किसी में दूसरी क्वालिटी होगी। कुछ बच्चे को पूरे साल तारीफ करते जाएं और कुछ बच्चे के पूरे साल तनकीद करते जाएं, तो असल में उस बच्चे ने अपनी शख्सियत नहीं खराब की, आपने खराब की है। आपसे मुराद टीचर भी है और आपसे मुराद पेरेंट्स भी हैं। तो हर बच्चे में क्वालिटीज होती हैं, उसको देखना चाहिए। चलिए मैं अब मिसाल नहीं दे रहा था, लेकिन चूंकि पेरेंट वर्कशॉप अब चली रही है तो एक मिसाल और दे दूंगा, वो फिर आप एंजॉय करेंगे उसको। जी अस्सलाम वालेकुम, आई पे ट्रिब्यूट टू विल्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द हेल्ड ऑफ सो ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस। एंड सेकंडली आई से देयर इज अ मोटो ऑफ एवरी एजुकेशनल सिस्टम, लर्न एंटर टू लर्न एंड लर्न टू सर्व। ठीक, फिर इसमें सिर्फ वालदैन क्यों इसमें अपना वो जिम्मेदार है? वो दोनों चीजों की इक्वल है, सब दोनों की। वालदैन क्यों जिम्मेदार है वो तो मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया है। वालदैन के पास तो बच्चा जाएगा मतलब कम कम 3-4 घंटे के बाद जाएगा, यहाँ जो शेयर नहीं किया उसने लंच बॉक्स। और अगर वालदैन ने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेजा तो जिम्मेदार कौन है? सर अच्छा स्कूल की क्या निशानी है? मेरे कहने का मकसद ये है, पंक्चुअलिटी और गुड एजुकेशन, ठीक है, डिसिप्लिन, ये चीजें एक बेहतरीन अपना उसके इंस्टीट्यूशन बनाती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। टीचर की अहमियत पे बात इसलिए नहीं हो रही कि बहुत है कि इस वक्त टीचर मेरे सामने नहीं है, वरना मैंने आपसे कहा मेरा 99% टाइम टीचर्स की ट्रेनिंग में गुजरता। तो जाहिर है टीचर तो जिम्मेदार है, कितने परसेंट टाइम का? वो 10% टाइम उसकी लाइफ का जिसमें वो स्कूल आता है। जो 90% टाइम उसका स्कूल में नहीं गुजरता, उसमें स्कूल की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को बताएं कि ये टाइम बच्चे का घर पे कैसे गुजरना चाहिए, लेकिन इसको इंप्लीमेंट माँ बाप ने करना होगा, क्योंकि ना वहां टीचर बैठा है ना ही घर में आपके प्रिंसिपल बैठा है। ये दोनों के मिलने से चलेगा, ये बात तो शुरू में हो चुकी, ये एक से नहीं होगा। तो जो टीचर का रोल है वो स्कूल में टीचर को सिखाया जाए, लेकिन आपने देखा होगा पेरेंट्स के सेमिनार नहीं होते इस तरह। पेरेंट्स से भी डिस्कस करना जरूरी है कि क्या चीजें हैं जिसको ध्यान वालदैन को देना चाहिए शख्सियत बनने के लिए। देखिए इस सारी डिबेट को छोड़ भी दें तो वालदैन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये बताएं बेस्ट स्कूल की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो अमेरिका में
वालदेन को पढ़ाया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है कि आप जब स्कूल की सिलेक्शन करने जाएंगे तो ये 6 क्वालिटीज देखेंगे, वालदेन के लिए बनाया जाता है। कितने वालदेन ऐसे हैं जो बच्चे के लिए टीचर या प्रिंसिपल या स्कूल के इंतखाब में बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे की शख्सियत किस माहौल में ठीक होगी और किस में नहीं होगी। फर्ज करें वो इसके लिए टाइम नहीं निकालते, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आप पैसे दे रहे हैं जी, स्कूल भेज रहे हैं, ये बच्चे के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका आपको रिटर्न चाहिए। ऐसे ही है ना, जिस तरह एक कारोबार में आप पैसा लगाते हैं तो आपको उससे रिजल्ट चाहिए होते हैं। आप जब 8-10 साल किसी स्कूल को मुस्तकिल पैसे दे रहे हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट का मुस्बत रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट गलत जगह लगेगी तो नतीजे आएंगे? तो गलत जगह लगेगी तो गलत जगह का कसूर है या इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसका कसूर है? आप मुझे ये बताएं, अगर आपने पैसा गलत जगह लगाया तो कसूर उस गलत जगह का है या लगाने वाले का है? तो कसूर वो जगह कैसे हो गई? कसूर वो है जिसने लगाया है। इसलिए पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि टीचर से क्या सवालात करने हैं। पेरेंट्स आगे अगर ये सवाल करें कि मेरे बच्चे के 90 नंबर क्यों नहीं आए, ये क्लास में टॉप क्यों नहीं हुआ, तो इससे बड़ी जहालत नहीं हो सकती। वो डिग्री और एमए और एमएससी से रिलेटेड नहीं है। आप जाके टीचर से पूछें, 2 महीने हो गए इस बच्चे को, पहले इसकी रीडिंग का मेयार ये था, ये मेयार क्यों नहीं बढ़ा? मुझे 90 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 100 नंबर नहीं चाहिए, इसकी राइटिंग ठीक नहीं हो रही, इसमें एतमाद पैदा नहीं हो रहा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा, इस बच्चे की शख्सियत नहीं बन रही। आप अगर नंबर के पीछे भागते रहेंगे कि क्लासरूम में ये नंबर 1 क्यों नहीं है, ये नंबर 2 नहीं, तो इसलिए पेरेंट्स वर्कशॉप हो या पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं वो इंडिविजुअल वो किताबें पढ़ते हो, बच्चे की नफ्सियात को पढ़ते हो, तो उसके नतीजे में आप स्कूल के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा करेंगे और स्कूल ठीक हो जाएगा। तो अगर पेरेंट्स जितने एजुकेटेड होंगे उतने ही ज्यादा स्कूलों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन पेरेंट्स को मुतमईन करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा एक और आखिरी बात सुन लें। कहा जाता है कि बच्चे की जो शख्सियत बनती है उसके 50% से ज्यादा बच्चे की जो फ्यूचर में शख्सियत है वो इब्तिदा के 6 साल में हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो 6 साल की उम्र तक उस बच्चे की शख्सियत का 50% हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। अभी तो पहली क्लास शुरू हुई है, तो पहली क्लास से पहले कहां था वो? घर में था। इसका मतलब है पर्सनैलिटी में उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उसकी सोशल डेवलपमेंट। देखें, नहीं सीखने वाला 30 साल तक जुबान नहीं सीख पाता दूसरी, और बच्चा कितनी साल की उम्र में सीखता है? 5-6 साल की उम्र में बच्चा बासानी रवानी से बोलता है। तहकीक ये कहती है कि अगर आप इस उम्र के बच्चे को दुनिया की 4 जुबानें भी रवानी से बोलना सिखाना चाहें तो 5-6 साल की उम्र तक 5 जुबानें रवानी से बोलना सिखाई जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ किसको सिखाएंगे आप? पेरेंट्स को अवेयरनेस। मैंने आपको इसराइल की मिसाल दी, मैंने आपको जापान की मिसाल दी, जापान की बगे नहीं दी, जापान में मैगजीन निकलते हैं किस उम्र के बच्चे के लिए, माओ के लिए, शादी से पहले क्या मैगजीन पढ़ें, जैपनीज बताते हैं हमें कैसी जैपनीज मां चाहिए, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसी अगर मां होगी, ऐसी जैपनीज नस्ल चाहिए, तो उस मां के बारे में 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, एक पूरी बिल्डिंग है, उसके हर फ्लोर पे अलग अलग उम्र के बच्चे को कैसे डील करना है, उनकी माओ के लिए मैगजीन निकलता है माना। वो अवेयरनेस पैदा करते हैं कि किन किन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होगी। तो दुनिया के सख्त तरीन हालात में वो लोग रहते हैं, अक्सर जलजलों में रहते हैं, तबाही की तरफ रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने घर को अगर ठीक करना है तो टीचर तो है ही, टीचर से कौन इंकार कर रहा है। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालना शुरू कर देंगे क्या ज्यादा या क्या कम, तो मैं कहूंगा भाई स्कूल की सिलेक्शन हो, टीचर की सिलेक्शन हो, घर का माहौल हो, ये सारे डिसीजन मेकिंग, ये फैसले, ये इख्तियारात किसके हाथ में है? तो जिसके हाथ में इख्तियारात सबसे ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब भी उसका ज्यादा होगा, जिसके इख्तियारात कम है उसका एहतसाब भी कम होगा।
अब मेरे लिए भी तो क्लैपिंग करें ना, इनके लिए तो कर रहे थे आप लोग। जी जी, उसमें ऐसा ही है कि जो लोग, जो पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, वो इस इशू को समझते भी हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इसको पसंद भी करते हैं। मैं इन्हीं की बात का जवाब दूंगी कि मेरा बच्चा अभी अब जाके गया है मोंटेसरी क्लास में। मैं शायद किसी बड़े इससे भी अच्छे चाह रही थी, मुझे नहीं था मालूम कि रिजल्ट क्या है। ये इन लॉज में से है कि इन्होंने मुझे बताया कि रिल्स का ये मेथड है, इस हिसाब से आप जाके देखें। मैंने लाहौर के भी स्कूल देखे हैं, सब जगह के स्कूल देखे हैं। इस बनिस्बत इतने शहर में, छोटे शहर में, बाकी शहरों के मुकाबले में रिल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इसको बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और अगर मेरे बच्चे का, जैसे कि इन्होंने कहा है, मैं मदर होने के नाते से बात करती हूँ, ये मेरे पे है कि मैं अपने बच्चे को कैसा देखती हूँ। ये मैं इस चीज पे कि आपको ज्यादा जरूरत है तो आप ऐसा करेंगे, कोर्स ले लें, ठीक है, उसको अपने बच्चे को देखें। अगर तो आपका बच्चा अटेंशन ले रहा है, ऑटोमेटिकली वो घर आके बताता है कि आज हमारे स्कूल में इस तरह हुआ। जी, और रील्स तमाम वालदैन को ये मौका भी फराहम करता है कि आप अगर अपने बच्चे के साथ दिन पूरा गुजारना चाहते हैं, उसका आज का दिन कैसा गुजर रहा है क्लास में, तो यू आर वेरी वेलकम। आप अपने बच्चे के साथ वो दिन गुजार सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका बच्चा आज क्या सीख रहा है क्लास में, जो कि नॉर्मली स्कूल बंद कमरों के पीछे टीचर्स एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और हम ये बिल्कुल ओपन हैं, वालिद या वालिदा जो भी अपना वक्त निकाल कर अपने बच्चे की रूटीन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दे आर वेरी वेलकम। इस सिलसिले में हम शाहिद साहब की सजेशन का बिल्कुल लेंगे, और हम आइंदा इसमें कोई वर्कशॉप ऐसी कर देंगे जिनमें उन पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा जो रिल्स के सिस्टम को समझना चाहते हैं। और आपके भी आमद का बहुत शुक्रिया, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से आज का सेशन बहुत कामयाब रहा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस लिहाज से भी कि आप लोगों के तआवुन के बगैर रिल्स जैसा इनफरादी इदारा, ये अपनी नवीयत का पूरे पाकिस्तान में एक इदारा है, छोटे शहर में जैसे आपने बताया। आप कंपैरिजन कीजिए इदारों की, वो खसूसियात जो आपके बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। मैं ये बात यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में तहसील लेवल पे, मैं बड़े डिस्ट्रिक्ट में, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं। आप हमारा कंपैरिजन बड़े शहर के स्कूल्स के साथ भी कर सकते हैं कि एक्चुअली आपके बच्चे को जो चीजें डिलीवर हो रही हैं, वो रिल्स क्या कर रहा है। उनमें से एक मिसाल आज की पेरेंट्स वर्कशॉप भी है कि आपको अच्छा पेरेंट होने के लिए रिल्स ये सब अरेंजमेंट क्यों कर रहा है। शुक्रिया आप लोगों की आमद का, हमारी तरफ से ये वक्त खत्म हो गया। अब आप कि कोई भी सवालात हो फ्यूचर, आप वो सवाल स्कूल ऑफिस में दे सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएं। सर, मैं तमाम पेरेंट्स के बिहाफ पे सर यासत अली असद का और बाकी इनकी तमाम टीम के मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पेरेंट मीटिंग हमारे लिए यहाँ पे मुनक्कद की। मुझे एक क्वेश्चन शाहिद से पता करना है। सर, मेरे तीन बच्चे इस वक्त रिल्स में मौजूद हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। तीनों बच्चे मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और मैं इन खातून की बड़ी अच्छे से तसल्ली करवा सकती हूँ। अगर इन्हें कोई मसला है तो वो मेरे से रابطہ कर सकती हैं। अगर रिल्स यहाँ पे, मैंने जैसा कि मेरी बेटी ने बताया यहाँ पे कि ये रिल्स बहुत अच्छा अदारा है, यहाँ पे छोटी सी जगह पे इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है। सर शाहिद साहब, मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहूंगी। जी, मैंने पूरे यहाँ पे कामों की के एरिया को विजिट करके उसके बाद मैंने अपने बच्चों को इस अदारे में डाला था। मैं सेटिस्फाइड हूँ टोटली अपने दोनों तीनों बच्चों के बिहाफ पे। अब इस वक्त मेरी बच्ची जो है वो प्री नाइन्थ सेशन में जा रही है, तो ये इनका बड़ा अच्छा मतलब के माहौल इसको मेरी बच्ची को मिला है। क्या है आपका सवाल? ये है कि सर, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि उसमें रटा सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपनी बेटी के लिए एक सेटअप मुकर्रर किया हुआ है कि इसने आर्मी में डॉक्टर के लिए अप्लाई करना है, दैट्स द एंड ऑफ माय लिमिट, यानी यहाँ तक मैंने इसको सोच के रखा हुआ है, बेटे को मैंने आर्मी में भेजना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि जो टेस्ट मैंने इनको दिलाने हैं उसमें रटा सिस्टम बहुत जरूरी आ गया है। अब मेरे बच्चों को थोड़ा सा आप गाइडलाइन ये दें
कि यहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा माहौल है, बच्चे खुद से लिखना चाहते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को अब ये मौका कभी नहीं मिलेगा कि वो खुद से लिख सके। जैसे आपने अपने बच्चे के बारे में बात की कि बच्चा माशाल्लाह से वो विजिट किया है उसने तुर्की का और बहुत अच्छा लिख के आया है, मेरी बेटी ने जब रिल से वहां पे हमने इसको छुड़वाया है कि अब हमने इसमें प्री नाइन्थ के लिए हमने बोर्ड के इम्तिहान दिलाने हैं, तो इसने वो स्कूल छोड़ने के लिए एक पूरा नोट लिखा है, बल्कि नोट क्या पूरी नोटबुक लिख दिया उसने, और आप कभी उसको पढ़ें तो इवन मेरी आईज में भी आंसू आया। जी जी, तो आप जरूर शेयर करें उसको। मैं मतलब मेरी आंखें आंसू से भर गई थी, जरूर जरूर, कि बच्चे ने अपने इतने अच्छे व्यूज उसके लिए शेयर किए हैं, स्कूल के लिए, स्कूल को लिविंग के लिए। तो आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि अगर हम ये रटा सिस्टम के अलावा भी कुछ ऐसा हमारे बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये बच्चे, देखिए मेमोराइजेशन जो है ना रट्टा, कोई बुरी स्किल भी नहीं है, लेकिन चूंकि साइंस मैथ सोशल स्टडीज सारा कुछ ही रटवाया जाता है वो नुकसानदेह है, तो अगर आगे जाके मेमोराइजेशन चाहिए तो मेमोराइजेशन कोई खराब चीज नहीं है, वो भी आनी चाहिए, मेमोराइज करना भी आना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेमोराइज नहीं आना चाहिए।